Assalamualaikum. Good morning, Pakistan. क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? बोर तो नहीं हो गए मुझसे? है ना, अक्सर लगता है ना, आप कभी कभार जाके अपने स्पाउस से भी पूछते हैं, लगता है तुम बोर हो गए हो मुझसे, तवज्जो नहीं देते मुझ पर. पता नहीं ऐसा हमें क्यों लगता है कि इंसान की आदत है, वो बहुत जल्दी अपनी कीमती चीज़ों से बोर हो जाता है. कपड़े ख़रीदता है, जूते ख़रीदता है, घड़ी ख़रीदता है, मेकअप ख़रीदता है, अलग अलग किस्म की बाल डाई कराता है. अपनी बोरियत को दूर करने के लिए कुछ और नहीं मिलता तो फर्नीचर की सेटिंग चेंज कर देता है. तो पता नहीं क्यों इंसान जो है उसकी नेचर और उसकी फितरत में बहुत भाग के आई हूँ ना, हापरी कापरी और साइंस फूल आए, तो बर्दाश्त कर लीजिएगा. सुबह सुबह मेरी फुल एनर्जाइज्ड वाली वॉक होती है ताकि वो एनर्जी भर जाए मेरे अंदर, और भर जाती है लेकिन सांस भी फूला हुआ है. हाँ, तो मैं कह रही थी कि इंसान की जो बोरियत है उसका कोई हल नहीं है, कोई लिमिट नहीं है. वो बहुत मज़े मज़े के खाने घर में पक रहे होते हैं और हर हफ्ते उसको बिरयानी चाहिए होती है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वो उस मेन्यू से भी बोर हो जाता है और कहते हैं कि यार कुछ नए पकाओ, क्या बिरयानी, क्या आलू गोश्त रोज़ ही पका लेती हो. तो हम YouTube का सहारा लेते हैं. हम क्या करते हैं, हम अलग अलग रेसिपीज़, होती वही हैं सारी, सिर्फ थोड़े बहुत मसाले चेंज करने से उसका नाम बदल जाता है और उसका थोड़ा सा जायका भी बदल जाता है. सो हम क्या, मैंने आपको क्या बताया, हम कपड़े चेंज करते हैं, हम फर्नीचर चेंज करते हैं, हम डेकोरेशन पीसेस चेंज कर देते हैं, हम घर का रंग चेंज करा देते हैं, हम अपनी बोरियत को दूर करने के लिए यकसानियत जो हमारी ज़िंदगी में, हम अपनी रूटीन चेंज करते हैं. मतलब आप, मेरे साथ भी ऐसा होता है कभी कभार मैं जिम ज्वाइन कर लेती हूँ, फिर उस जिम से रूटीन से बोर होने के बाद मैं कुछ और चीज़ ज्वाइन कर लेती हूँ, किसी और चीज़ में पार्टिसिपेट कर लेती हूँ, फिर डांस क्लासेस, जुम्बा क्लासेस लेना शुरू कर देती हूँ. तो इंसान को यकसानियत जो है ना वो कभी कभार बोर कर देती है, मगर कुछ चीज़ों की आपको आदत पड़ जाती है. कुछ वार्डरोब में आपके ऐसे कपड़े हैं जो रिटायर करने वाले हैं, उनकी अब औकात है रिटायर करने की, लेकिन वो जो कंफर्ट लेवल है ना आपका, आप उसकी वजह से उनको लटकाए रखते हैं कि नहीं यार, जब मतलब मुझे बहुत मेरा बुरा दिन होगा और मुझे बहुत आरामदेह कपड़े पहनने होंगे तो मैं ये ट्राई करूँगी. नाइट सूट ऐसे होते हैं, हमारे हस्बैंड्स के नाइट सूट हैं, फट गए जगह जगह से, लेकिन वो फेंकने नहीं देते, पोचा ही नहीं बनाने देते हमें. क्यों? क्योंकि उनका कम्फर्ट लेवल है. सो कम्फर्ट लेवल और यकसानियत, ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम बड़े डिस्टर्ब रहते हैं ज़िंदगी में, कि बोर भी हो गए हैं लेकिन कुछ चीज़ों को अपने आप से दूर नहीं कर सकते. सो उसका एक हल है, कोई बीच की चीज़ निकालनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अब कितनी महंगाई का दौर है, अब आप ये तो नहीं कर सकते कि फ़लानी की बर्थडे पे मैंने जो जोड़ा पहना था या फ़लानी ईद पर मैंने जो जोड़ा बनाया था वो तो हमें पहन नहीं सकते, रिपीट तो कर नहीं सकती, इंस्टा पे भी डाल दी पिक्चर्स, अल्लाह कितना बुरा लगेगा. अब हमें उसका रास्ता निकालना है, वही चीज़, वही शलवार कमीज़ दुपट्टा या वही पैंट्स या वही कोट या वही साड़ी या वही ब्लाउज़, उनको अदल बदल करके, मिक्स एंड मैच करके हमने अपने वार्डरोब में इंटेलिजेंटली दिमाग से प्ले करना है कि हम महंगाई को मात दे सकें, अपनी ख्वाहिशात को मारे बगैर. हम डिफरेंट लगेंगे, हम अलग स्टाइलाइज करके जाएंगे उस जोड़े को किसी और चीज़ के साथ. सो आप जो अपनी ज़िंदगी में जो वार्डरोब बनाते हैं, दुपट्टा शलवार कमीज़, ये आप छोड़ दें, एक थान के कपड़े लेना छोड़ दें, बल्कि आप मिक्स एंड मैच पे आ जाए. जैसे कि पूरे वेस्ट में होता है, वो एक जीन्स होती है उसके साथ कई सारी शर्ट्स चल जाती हैं, एक शर्ट होती है उसके साथ कई अलग अलग पैंट्स चल जाती हैं. सो हल निकल सकता है अगर आप दिमाग इस्तेमाल करें. और यकीन जाने आपके घर में कोई एक ऐसा ज़रूर होता है जो आपको कहे, यार इस दुपट्टे को ना ज़रा इस जोड़े के साथ पहन के देखो, इस ट्राउज़र को जो है ना वो तुम इस कमीज़ के साथ पहन के देखो, इस कोट को ज़रा साड़ी के साथ पहन के देखो. कोई ऐसा ज़रूर होता है जो आपको मशवरे देता है. और अगर कोई नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, जब मैके वाली का है तो मन के दिखाऊंगी और निभाती भी हूँ, इतने सालों से निभा रही हूँ, तभी तो यकसानियत आपको खलती नहीं है, क्योंकि आपकी अपनी जो. तो आइए, आज मैं ही नहीं आपकी अपनी बल्कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आपको टिप्स देंगे, मज़े मज़े की उनके पास जो पीसेज हैं उनको कितनी दफ़ा वो पहन के दिखा सकते हैं आपको अलग अलग चीज़ों के साथ, ये आज आप देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और आपको फिर आएगा आइडिया. दिमाग की बत्ती खोलने के लिए ज़रूरी है आपको
रख दिखाई जाए और वही हम दिखाने वाले हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। पुराने कपड़ों को कहें बाय बाय। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी, जो आपकी बेजारी, जो आपको बोरियत हो जाती है यकसानियत से, उसको दूर करने के लिए आपके ही पास, मतलब होता है ना, कभी हमारे पास कोई चीज़ होती है और हम उसको यूटिलाइज नहीं करते, हम अपना दिमाग यूज़ नहीं करते, तो आपको अपना दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास दिमाग यूज़ करने के लिए यहाँ 3 सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं जो अपना दिमाग यूज़ कर अपनी बोरियत को दूर करते हैं कि नहीं भाई कोई बात नहीं, इसको बहुत दफ़ा यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इतनी बड़ी मिसाल है आलिया भट्ट ने अपनी शादी की साड़ी, जो कि अपनी शादी के कपड़े मलमल के कपड़ों में डाल के 2 छत्ती पे चढ़ा देते हैं, लेकिन आलिया भट्ट ने अपनी शादी की साड़ी यूटिलाइज़ की, दोबारा यूज़ की। और जब तक अगर वो बताती नहीं तो मुझे तो पता भी नहीं चलता, क्योंकि उसने इतनी डिफरेंटली उसको स्टाइलाइज किया था। उसी तरह ये जो सेलिब्रिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं, ये आपको ऐसी टेक्निक्स और टिप्स बताएंगी कि इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको वैसे, ये कर सकते हैं आप, तो फिर सबसे ज़्यादा मुस्कुराहट आपके हस्बैंड्स के चेहरों पर आएगी, क्योंकि उनका खर्चा कम होगा हमारी इस टेक्निक को आपको बताने से। तो मेरे साथ एक तरफ हैं किरण, एक तरफ हैं बिनिश, एक तरफ हैं शर्मी। अस्सलाम वालेकुम सबको, इज्तमाई सलाम। वालेकुम। कैसे हैं? दिमाग घुमा दिया आपने वैसे इसके साथ उसके साथ। वैसे तो नॉर्मली हम कर लेते हैं ना, लेकिन जब खास शो के लिए होता है तो फिर सोचना पड़ता है, अच्छा इसको ऐसे भी, और फिर ऐसे ऐसे आइडियाज आ रहे थे, ऐसे ऐसे आइडियाज आ रहे थे, है ना यार। ये दिमाग खोलने की देर होती है जब आप एक चीज पे फोकस कर रहे होते हैं। कभी कभार आपके सामने वो कपड़े नहीं होते, इमेजिनेशन में होते कि मैं इसको इसके साथ अगर जोड़ लूँ तो यही तो क्रिएटिविटी। अच्छा, मेरे पास तो एक्चुअली, क्योंकि मैं क्वीन हूँ रिपीट करने में, और ये मेरे सारे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स जानते हैं कि मैं अपनी एक कोई चीज़ खरीदती हूँ, उसको पहन पहन के जब तक वो वेयर आउट ना हो जाए मैं उसको नहीं यूज़ करना। ये हमें ना पता है, आज का शो, यार बातें नहीं करो प्लीज़, आज का शो हमें जो टीनेजर लड़कियां हैं उनको दिखाना बहुत जरूरी है। हाँ। क्योंकि उनको ये आजकल कॉम्प्लेक्स हो गया है, मैं रिपीट नहीं करूंगी। हाँ, मैंने इंस्टा पे पिक्चर डाल दी। हाँ, एक बार पहना और दूसरी बार पहनना नहीं। हाँ। ये तो हम पहन चुके हैं, स्पेशली जो शादी ब्याह के हैवी और फॉर्मल जोड़े होते हैं। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद देयर माइंड। इसीलिए जब कोई सामान लाने वाला शो होता है ना, तो मैं यूजली एक्सक्यूज़ कर देती हूँ कि हाय इतना सामान कलेक्ट करो, पैक करो, नहीं मैं बिजी हूँ। लेकिन जब मुझे आज का टॉपिक पता चला, आई सेड नहीं, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई हैव टू गो। हालांकि बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो, इंटरेस्टिंग भी है और एक अच्छा मैसेज छोड़ेंगे आज के शोज के जरिए। हाँ, ये तो है कि हम ही बदनाम है ना, मुझे कहते हैं रोज़ नए कपड़े पहन के खड़ी हो जाती है, हमारी बीवियों को ख़राब करी। अरे भाई, मेरे अपने नहीं होते। सीरियसली, मैं अपने बहुत कम कपड़े खरीदती हूँ। निदा, मेरे पास तो वैसे ही कपड़े नहीं, मैं इतने सिलवाती नहीं हूँ। शोज में पहनने होते तो हमें मिल जाते हैं। तो जब ये शो के लिए था ना, तो मैंने मना किया, मैंने कहा मेरे वही कपड़े जो मैं बार बार निदा के शो पे लाती रहती हूँ। एग्जैक्टली, अब उसको फिर नए स्टाइल। नहीं, हमें लोगों को ये बताना जरूरी है, क्योंकि पता नहीं आजकल मार्केट में क्या हो गया है, एक दूसरे को देख के कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गए। और एक जमाने में मॉर्निंग शोज वैसे तो क्रिटिसाइज करने की लोगों को कुछ को आदत है, लेकिन वो खास तौर पे इसीलिए करते थे, रोज नए कपड़े पहन के खड़ी हो जाती। सो वो अलग अलग लोगों के होते हैं। कौन आया अब हमारा? हाँ, अच्छा, ओहो, अच्छा, हमारी फोर्थ गेस्ट जी। हाँ। हमारी चौथी गेस्ट आ चुकी है। आइए जी, फिजा अली हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, सफेद परी। कैसी हैं आप? वो मैं कह रही हूँ ना, इस महंगाई के दौर में फिजा अली एक ठंडी हवा के झोंके की तरह है। हाँ, क्योंकि फिजा अपनी इतनी सारी ऐसी प्राइवेट बातें बता देती ऑन स्क्रीन। उन्हें इंटरव्यू आया था लंडे वाला, वो इंटरव्यू। हाँ, मतलब कौन बताता है? एक इंटरव्यू से किसी को दिया था, वो बहुत वायरल हुआ था कि मैं, हम तो कोई बात नहीं, और सीरियसली ये बता देती है, ये इसका भोलपन है। लेकिन बहुत सारे लोग संडे बाजार से जाके कपड़े खरीदते थे, बहुत सारे, बहुत, और उसको इतना मजे से स्टाइलाइज कर लेते थे। मतलब ये इसकी इनोसेंस है। मेरी भी बहुत सारे लोगों की शुरुआत संडे बाजार से हुई थी। सबसे ज्यादा चप्पलें जो कंफर्टेबल हमें मिलती थी, सस्ती मिलती थी, 80-90 रुपए की होती थी, 100 रुपए की ज्यादा, डिजाइनर वाले बैग भी वहीं से ज्यादा। अरे, मेले मेले कितनी मिल जाती थी, जूते जो यहाँ नहीं मिल रहे होते थे। अब तो चलो मेले लगे, आपको जो, अरे बड़े वाले बूट्स चाहिए। हाँ, मैं भी एक दफा लेकर आई थी, वो चमकदार नहीं होते, सीक्वेंस वाले। वो मैंने फिल्म में पहनने थे, पहनाने थे किसी को, लेकिन पहनाए नहीं। वो हीरोइन कहेगी, अच्छा मुझे लंडे के जूते पहने।
वो मैं यहाँ तक के शूज थे वो हाँ। आप यकीन माने जाएं तो इतनी वैरायटी आपको मिल जाए। हाँ, निदा हम जब जाते थे तो वहाँ पर इतने टॉप डिजाइनर्स फैशन मॉडल्स सारी आई हुई होती हाँ। थी यू नो ऐसे चश्मे लगा के अपना बैग हाँ। लेकर हम ये कहते थे ये बैग इनके हाथ में जो है ये मैंने पिछले हफ्ते इधर इतवार बाजार में देखा बोलते होते थे हम लोग। जगह थी वो इतवार बाजार। और मजे की बात पता क्या होती थी जब वो चप्पलों की क्योंकि तो इतना बड़ा स्टॉल अभी तक है अभी तक अब कहीं और लगता है अब तो कहीं और लगता है। मैं आपको सच बताऊं बात मुझे मेरे मैं जहाँ पढ़ाई कर रही हूँ तो मेरी टीचर ने मुझे कही ये बात। उन्होंने कहा कि मैं बड़ी ब्रांडेड चीज़ें पहना करता था तो उनको उनके टीचर ने ये बोला तो मैं पता ये तुम ब्रांडेड चीज़ें जो अलग अलग पहनते हो इससे सिर्फ एक फ़ायदा होता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है। तुम्हें लगता है कि बाकी चीज़ों में तुम कम हो ना तो ये ब्रांडेड चीज़ें पहन के तुम बाकी लोगों में स्टैंड आउट कर सकोगे और तुम्हारे बोलने में और चीज़ों में कॉन्फिडेंस आता है। मगर अगर तुम्हारी मतलब होता है ना हमारी उम्र के किसी हिस्से में जाके हमारी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हमें ये ब्रांडेड चीज़ें जो है उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली मतलब मैंने इस लड़की को इसने मुझे बताया 1000 रुपए का कुर्ता पहना मैंने था और ये आपको बताऊं अच्छी लग रही है आज भी मैं कुछ ऐसा ही बताऊंगी आपको। किरण ने कहा मैंने फुटपाथ से उठाया मैं इसके पीछे भी ये बोलती हूँ कि ये लड़की किसी चीज को भी पहन ले इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो चीज सज जाती है इसकी पहन की भी दोनों वो तो बिल्कुल वाली क्लास वाली है। सो यहाँ कोई ऐसा नहीं बैठा हुआ कि जो ब्रांड और ब्रांड के पीछे भागता है। हम फुटपाथ से भी चीजें उठा लेते हैं हमें अच्छी लगती है तो और सारी बात है उसको कैरी करने की। आप कैसे मैं जेंट्स की दुकान से भी उठा लेती हूँ आप तो फुटपाथ की बात है कर रही। किसकी दुकान है? जेंट्स की मर्दों की दुकान से फुटपाथ की बात और है बेचारे जेंट्स को तुम फुटपाथ के बराबर क्यों लेके सस्ती सस्ती चीजें होती हैं बाहर। हां मैंने अक्सर जेबों वाले कुर्ते पहनते हुए देखा है मर्द आजकल ये बड़ा ऊपर ये कुर्ते पहन रहे हैं आवामी तो वेस्टकोट पहन रहा है। ये एक में लेकर किससे शुरू करें बताओ भाई किरण तुमसे शुरू करें मेरे से आ जाए हाँ, से शुरू करें। अच्छा हम किस तरह से वन बाय वन सारी चीजें दिखा रहे हैं या फिर ड्रेस बाय ड्रेस दिखा सकते हैं दो ड्रेसेस के हो गए दो हां ताकि मजा आए वैरायटी में ड्रेस करते हैं। अच्छा एक तो मैं इसी यही ड्रेस को मैं दो तीन वेरिएशंस के साथ बता सकती हूँ। जैसे ये मैंने पहले बताओ तुमने कहाँ से लिया था और क्या ये ये आई थिंक ये फास्ट वेयर का है जिनसे उन्होंने ऑनलाइन स्टोर है देखो पीछे मेरे पीछे भी इसकी बड़ी अच्छी डोरियां बनी हुई हैं ये बड़ी मतलब एक छोटे सी ब्लैक सा है ये अगर आप खुद भी बनवाना चाहें एक आइडिया की बात है कुछ भी नहीं है सिंपल ऑर्डिनरी सा लिनन टाइप का लेकिन वो फॉल वॉल प्लेन ब्लैक ज्वेलरी के साथ आप इसको वैसे ही चेंज कर लें एक्सेसरीज तो चेंज इस कर पीस को और किस किस तरह पहन अच्छा इस पीस को एक मेरे पास ना ये कोटी है तो मैं इसको कोटी स्टाइल दे सकती हूँ। ये प्लेन हो गया ठीक है और ये ली कहाँ से ये भी बताना ये बहुत प्यारी है ना ये कराची कहीं कहीं का माल लग रहा है जैनब कोटियाँ तो सब नहीं जैनब तो मैं खैर काफी टाइम से नहीं गई कहीं तारिक रोड वारिक रोड से ही ली really? आप इसको ये पहन ले मतलब एक अलग स्टाइल हो गया एक अलग ठीक है ना एक ये हो गया। अच्छा एक बिल्कुल ईस्टर्न में अगर ये इसी के साथ था या अलग से आपने नहीं लिया हुआ है ये तो बिल्कुल प्लेन आया था तो ये गाउन स्टाइल है और अब आप इसको थोड़ा सा और ईस्टर्न स्टाइल देना चाहें मैं तो हालांकि ज्वेलरी भी लेकर आई हुई हूँ मतलब प्यारा लग रहा है मजे आपको ना चेंज करके दिखाती हूँ ना जब तक आप बातचीत करें आई मीन चेंज से मीनिंग के मैं वो ज्वेलरी ज्वेलरी या बिकॉज़ द चोक ऐसे बेटा गिरे बंदे में पड़ गई है कहानी कि ये ऐसे उतरेगा हां कोशिश करते हैं नहीं नहीं उतरेगा यार और बहुत मोटी गिरा है तुम्हारे नाखून है मेरे भी मेरे नहीं है जिसके एक्रेलिक्स थे उसी से खुलेगा ये फंस गई। मैं असल में ना इसके साथ झुमके लेकर आई हूँ ये वाली लुक हटा के वो एक बिल्कुल ईस्टर्न का है आपके झुमके पहना खुल गए ना थैंक यू। अब ये क्या है जैसे ना होती फिनिश तो क्या होता क्या होता झुमके के दर तुम्हारे मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट जरूरी होता है पाउच पूरी लुक चेंज करके मैं दिखाऊंगी ये झुमके होंगे यकीन बड़े बड़े झुमके ओ वाओ हां ये अच्छा अब ये आ गया दुपट्टा नेट का अरे ज्वेलरी कलेक्शन भी मतलब ज्वेलरी से भी आप चेंज लुक आपका लगता है हां बिल्कुल अब ये दुपट्टे वाली हो गई अब मैं ईस्टर्न ढोलकी टाइप पे चली गई और मेकअप चाय की ट्रे भी ले आते है ना
ना देखो ईस्टर्न लुक हो गया दुपट्टे के साथ। अब इसको दुपट्टे को आप ऐसे ले ले, ढोलकी है कोई कोई ढोलकी के लिए बेस्ट है ना इस तरह का अटायर, पूरा हल्का फुल्का सा है ना, सिर्फ ज्वेलरी से, सिर्फ ज्वेलरी से एनहांस किया वो कर ले। तो आपने एक ही शर्ट को तीन अलग अलग इवेंट्स पर डिफरेंट लुक्स हो गए यूज कर लिया। एक्चुअली एक और है क्या इसी के साथ, और अन्यथा मजे की बात है कि पूरा लुक महंगा नहीं है। हाँ, ना ये कुर्ता महंगा है ना ये दुपट्टा महंगा है, मतलब पैसे ये भी अगर बात की है। कोरे बहुत पसंद करते हैं जो आते हैं ना बाहर से, जितने भी टूरिस्ट ये उनको इस तरह के कपड़े बड़े पसंद होते हैं, पाकिस्तान से ले लेके जाते हैं। अब आप ठीक है जी, अब आप ऐसे स्टाइलिश भी हो गए यार। ये कहाँ से ली वैसे, ये बड़ी प्यारी, इसके पास तो कोई ऐसे पीसेस निकलते हैं खादी, ये खादी स्टाइल जनरेशन, ये ज्यादा अच्छी है। हमारे लोकल ब्रांड्स भी बहुत अच्छे। एक मेरे पास ज़ारास की भी जैकेट है, थोड़ी भारी थी, वो फुल शीशे की थी, वो भी आप इसको इसके साथ पहन, मतलब ये जो ब्लैक आपकी एक ऐसा पीस होना चाहिए, बेसिक कलर जो है बिल्कुल आएगा उसके। मेरे पास भी एक ब्लैक ड्रेस है पूरा, और वो स्लीवलेस है, तो मैं स्लीवलेस नहीं पहनती, तो उसको पर अलग अलग चीजें पहनती हूँ। लेकिन जब जिसके साथ पहनती हूँ, मैं पता नहीं, कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता होगा मैं कितनी सारी पार्टीज में वही ब्लैक ड्रेस के ऊपर कुछ ना कुछ पहन के गई। ब्लैक के साथ आप बहुत कर सकते हैं। हाँ, कभी मैं उसको सीधा करके पहनती हूँ, कभी उल्टा भी पहन लेती हूँ। अच्छा, वैसे उसके पीछे भी चली जाती हूँ। मुझे लगता है कि ब्लैक तो ऑफकोर्स आप बहुत दफा रिपीट कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास सॉलिड कलर्स होते हैं ना आपकी वार्डरोब में, तो चाहे वो जो भी कलर क्यों ना, आई आल्सो एग्री, अगर सॉलिड है आप उसको इतनी चीजों के साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, आप फंसते नहीं है। प्रिंट्स में होता है कि आप थोड़ा सा बाउंड हो जाते हैं, बट इफ यू हैव बेसिक सॉलिड कलर्स इन योर वार्डरोब, आप तीन शर्ट्स के, जैसे कि आज मैं लाई हूँ, मेरे जो बेसिक हैं आज जो तीनों मेरे आउटफिट्स हैं वो बेसिक कलर्स के, उस पे फिर आप इतने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, इतने डिफरेंट स्टाइल्स बना सकते हैं। अच्छी टिप शर्मीन आपने दी है कि अगर आपके पास बेसिक कलर की फर्श करो शलवार कमीज या शर्ट या कुछ ऐसी, और आप प्रिंटेड जैसे इसने कोट लिया हुआ एक पीस है, सिग्नेचर पीस हो गया ना, जैसे सिग्नेचर ज्वेलरी होती है, बिल्कुल ये भी कोट ये जीन्स के ऊपर पहन सकती है, बिल्कुल अभी ब्लैक के साथ पहना है। तो जो प्रिंटेड चीजें हैं वो ऊपर दुपट्टा ये वो इस तरह की चीजें रख लें, और जो बाकी आपका ट्राउजर है या शर्ट है उसको आप बेसिक रख सकते हैं। और मैं तो ऑनेस्टली इस चीज़ में भी नहीं फंसती हूँ, जैसे एक कॉन्सेप्ट है ना कि नहीं ये कैजुअल मटेरियल है तो आप इसको फॉर्मल इवेंट में नहीं पहन के जा सकते। हाँ, मैं इस चीज़ में नहीं फंसती हूँ, क्योंकि एज फार एज आप उसको अगर कैजुअल मटेरियल की, जैसे आप समझे कॉटन सिल्क की आपके पास शर्ट है, वो कॉटन सिल्क आप एक लंच पे भी पहन के जा सकते हैं, और अगर आप उसको किसी हैवी चीज़ के साथ कॉम्बिनेशन में पहने, तो आप मैं मुझ जैसी, क्योंकि आपको पता है मैं इतने ज़्यादा ओवर द टॉप हैवी कपड़े नहीं पहनती हूँ, मैं इवेंट्स शादी फॉर्मल डिनर में भी पहन के जा सकती यार, एक गोटे के दुपट्टे के साथ जी, बस एक गोटे के दुपट्टे की दे रहे हैं। और ये मैं आज अपना एग्जांपल लेकर आई हूँ। आओ शुरू, तुम तुम्हारा हो गया ना एक, हाँ, एक पीस हो गया, हो गया अगला पीस तुम्हारा, चलो। अच्छा, मैं एक्चुअली क्योंकि पहन कर नहीं दिखा सकती हूँ मेरे तरह के आउटफिट्स हैं, तो मैं पिक्चर्स लेकर आई हूँ, तो इफ यू गाइस कैन प्ले दोस पिक्चर्स। व्हिच पिक्चर? पहले एक आउटफिट, एक ब्लैक आउटफिट की है, दो पिक्चर्स मैं लेकर आई हूँ। अच्छा, एक ब्लैक आउटफिट की, चलो निकालो। ये मेरी ब्लैक प्लेन लॉन्ग बिल्कुल बेसिक शर्ट है, गाउन समझो शर्ट समझो, ये देखें एक ही मैं आपके शो पे ही पहन कर आई हूँ। मतलब तुमने नीचे क्या पहना हुआ है इसके? I'll show you, अभी मैं दिखा रही हूँ, ये ब्लैक शर्ट है, ठीक है, इसको मैंने भी पहन आपके शो पे एक दफा ये ट्राउजर पहना, ये मेरा ट्राउजर है पिंक वो पिक्चर में, और उसके साथ ये बेल्ट है जो कि मैंने ये बेल्ट अपने लेकिन वो ये ना कि अपने स्टेटमेंट पीसेस लेके वार्डरोब में रख लो, यू कैन वेयर इट विद सो मेनी थिंग्स। तो खैर ये मैंने पहना हुआ था उस पिक्चर में पिंक ट्राउजर के साथ, ब्लैक बेल्ट, उसके साथ आप नेकलेस पहन ले। तो ये वैसे तो मैं शो पे पहनकर आई थी आपके, लेकिन आप मैं इजीली एक फॉर्मल डिनर पे भी पहन के जा सकती हूँ। आप ये इसका दिखाओ, और भी दूसरी है बिल्कुल। अब इस ही शर्ट के साथ मुझे अगर इसे और भी कैजुअल करना हो, ओके, तो अच्छा वो दिखा दें प्लीज पिक्चर। ये जीन्स के साथ ये मैं डिनर नहीं था, हाँ ये डिनर ही था, लेकिन ये कैजुअल डिनर था। इसमें मैंने इस शर्ट को विदाउट एनी नेकलेस, जस्ट प्लेन स्मॉल स्टड्स, इसको मैंने जीन्स के साथ पहना और अपनी स्टिलेटो हील्स पहन ली। तो अगेन इट वाज वेरी स्मार्ट कैजुअल, इट वाजंट फॉर्मल एट ऑल, ओके, लेकिन एक ये लुक हो गई इस ब्लैक शर्ट की, डन है, ठीक है, जबरदस्त। और फिर
मैंने निदा मेरे पास एक ड्रेस था जो मैंने एक डिजाइनर से बनवाया था और वो मुझे बहुत प्यारा लगता था और वो मैंने काफ़ी दफ़ा पहन लिया था। अच्छा, फ्लेरी जैसे अनारकली ड्रेसेस होते हैं ना, मैंने कहा मैं थक गई उसे पहन पहन के, पूरे ख़ानदान ने 3-4 दफ़ा देख लिया था, अब मैं इसका क्या करूं। तो मैंने उस ड्रेस को स्कर्ट में कन्वर्ट कर दिया। ओके, ये मैंने पूरा जो लहंगा बनवाया, मैंने इसका लहंगा, ये ड्रेस था इसका मैंने लहंगा बनवाया। इसकी जो स्लीव्स थी वो क्योंकि लेंथ पूरी नहीं आ रही थी, ऊपर बेल्ट डलवा के स्लीव्स का ही मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया ही नहीं इसके लिए। स्लीव्स जो थी वो मैंने ऊपर बेल्ट डलवाई, ये पूरा लहंगा मैंने बनवाया, दुपट्टा मैंने बनाया लिया इसके साथ। मिल जाते हैं ऐसे बने बनाए, बहुत मिल जाते हैं। और इसको मैंने इस शर्ट के अंदर आगे ये। सुनो, लेकिन तो पीछे की तो पूरी टेल छुप जाती होगी इससे। नहीं, वो इतनी लंबी टेल है आगे से कि वो नहीं पता चलता। और ये ऊपर से आगे से स्लिट खुला हुआ है, स्लिट खुली हुई है तो पूरा ये। नेता, इफ यू कैन होल्ड द दुपट्टा प्लीज, सिर्फ दुपट्टा उठा लो ऊपर का ये, और इसके ऊपर ये ओवरलैप कर दो अगर ड्रेस को। अच्छा लग रहा है। जरा भाई लॉन्ग ले लें क्या, मतलब ये पूरा एक मेरा इसके अगर साइड पे अगर दुपट्टा, इफ यू कैन ड्रेप तो ये देखो, यही चीज जो कि मैंने डेनिम्स के साथ पहनी थी, ये मेरा एक फॉर्मल शादी और इसके साथ कोई चोकर वोकर पहन वो मैं लेकर आई हूँ, वो सेट भी लेकर आई हूँ। होल्ड द शर्ट, और इसके साथ मैंने इसे कंबाइन किया था इस नेकलेस के साथ, ईस्टर्न, वेरी नाइस। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि आपका एक पीस ये अलग तीन जगह, तीन अटायर, मेरा ये प्रॉपर वेडिंग आउटफिट था एंड आई गॉट सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स एंड दिस इज वेरी कंफर्टेबल मटेरियल, बट यहां टाइप का मटेरियल जर्सी मटेरियल, हां ये दिस इज जर्सी लाइक्रा मटेरियल एंड नोबडी कुड हैव इमेजिनड कि जो मैं ये शादी पे, हैवी शादी पे जोड़ा पहन के गई हूं, वही शर्ट में जीन्स के साथ भी पहन के जा चुकी हूं और वही शर्ट में आपके शो पे दूसरे अपने सिल्क ट्राउजर्स के साथ भी पहन के। यार मतलब अगर हमें ना थोड़ा सा आइडिया हो ना चीजों का, मैंने, मेरा एक ब्लैक हाईनेक है जो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, वो वैसे वेस्टर्न कपड़ों के साथ तो पहना ही है हाईनेक, मगर मैंने शो पे कभी होता है शरारे वरारे बहुत अच्छे आ गए तो मुझे ना कभी कभार शर्ट की फिटिंग्स नहीं अच्छी लगती, सही है, वो हाईनेक मैंने शरारों के ऊपर पहना और हाईनेक के ऊपर यहाँ चोकर पहना। अच्छा, अच्छा। इतना कोई खूबसूरत लग रहा था, मैंने पहली दफा सोचा ब्लैक था, ब्लैक हाईनेक और जिस तरह का इसका ये पूरा टेल वाला स्कर्ट है, इसी तरह का काशी का कोई शरारा था बड़ा सा, बहुत खूबसूरत, एक ज़ैनब चुटानी का भी था, पता नहीं मेरे पास तस्वीर होगी तो मैं अगले ब्रेक में तस्वीर दिखाती हूँ, वो मैंने हाईनेक के साथ पहना और यहाँ चोकर पहना। ओह क्या वो लग रहा था, ईद के शो पे पहना था, हाई फैशन ना, मतलब यू कैन क्रिएट योर ओन स्टाइल। अच्छा, इसी के साथ ब्लैक शर्ट के साथ, वो मैं लेकर नहीं आई हूँ क्योंकि मैंने सूटकेस में अंदर रखी हुई थी, विंटर स्टॉक था, सर्दियों में मैं इसको ब्लैक प्लेन ट्राउजर्स और जो आपके पास एम्ब्रॉयडरी वाली शॉल्स होती हैं घर में, मेरे पास एक बहुत खूबसूरत ब्लैक शॉल है जिसमें पीच और ऑलिव ग्रीन कलर की फुल एम्ब्रॉयडरी हुई है, तो मुझे सर्दियों में अगर कहीं जैसे म्यूजिकल इवनिंग है, कोई ढोलकी है, उस पर आप बड़े से इयररिंग्स पहने, ये प्लेन आपका ब्लैक सूट और उस पर आप ब्लैक एम्ब्रॉयडरी वाली शॉल ले लें विद बिग इयररिंग्स और एक्सेसराइज इट विद अ नेकलेस आल्सो, वो आपकी एक और नई लुक हो जाती है। तो आप एक ही शर्ट के साथ 4-5 लुक्स आराम से क्रिएट कर सकते हैं। और तो इस सेगमेंट में हमने ये आपको सिखाया कि जो अगर बेसिक चीजें आपके पास हैं तो आप उनको बहुत दफा यूटिलाइज कर सकते हैं, अलग अलग ज्वेलरी के साथ, अलग अलग पीसेस के साथ, दुपट्टे, शरारे, स्कर्ट, जीन्स, शूज वगैरह वगैरह। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर फिजा और बीनिश रेडी रहें कि आपने किसको कितनी दफा मल्टीप्लाई करके पहनना है। मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारी जो सेलेब्रिटीज हैं वो अपनी जहानत से आपको ये दिखा रहे हैं कि एक पीस आपके पास है तो उसको खुदा के वास्ते एक दफ़ा पहन के फेंक ना दें और ज़ाया ना कर दें, बल्कि आप उसको बहुत दफ़ा यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और जैसे कि अभी किरण ने और शर्मीन ने दोनों ने एक ही पीस को 3 मुख्तलिफ जगह पे अलग अलग टाइम पर यूज़ किया है, चाहे वो शादी हो, चाहे वो कैजुअल हो या कोई पार्टी हो, दोपहर का लंच हो। सो मैं बीनिश तुम्हारी तरफ चल रही हूँ, फिर फिजा तुम्हारी तरफ आऊँगी।
रिपीट करते हो वैसे तुम लोग कपड़े अपने? हाँ बहुत ज्यादा, मैं तो एक ही शो पे मैं तो निधा के शो पे भी रिपीट कर लेती हूँ। इनके शो के थोड़ा सा डिफरेंट कॉम्बिनेशन करके आ जाती हूँ मैं तो, वजह से निधा ने का पता भी नहीं चलता। इनकी तो ड्रेस मतलब जो शो पे आना पड़ता है तो वैसे ही किसी से मांग के कपड़े पहनने पड़ते हैं डिजाइनर। अच्छा डिजाइनर मिन्नत इतनी करता है कि इनके शो पे जाके प्लीज पहन लो। ये भी है, ये क्या? अच्छा जी, ये मैंने एक पीस किसी डिजाइनर से लिया था तो ये बनवाया था मैंने। ठीक है, अब इसका क्या है कि इसके नीचे लहंगा है, अगर आप देखें थोड़ा सा कैन के साथ। ये लहंगा है? हाँ ये लहंगा है, अब देखें इस टू पीस पे इन्वेस्ट करने का क्या फायदा है, मैं आपको बताती हूँ। अब मेरा दिल किया मैंने मेहंदी पे पहनना है तो मैंने लहंगे के साथ पहना, ठीक है, और ये इसका लहंगा है। अब मैं इसके ऊपर लहंगा जो है वो हटा देती हूँ। लेट्स सपोज ये लहंगा मैंने हटा दिया, लहंगे को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं कई बार। हाँ कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, और वो भी मैं आपको बताऊंगी कब करेंगे हम लहंगे को। हाँ इसके नीचे मैंने ये सिल्वर हो गया ना लहंगे के साथ, हाँ, एक लुक तो हो गया। ये मैंने सिल्वर पैंट्स पहनी और हाई हील्स पहनी और मैंने इसको ये केप स्टाइल बन गया है। तो ये शर्ट ही मुझे कैमरे में दिखाओ ना, ये मैंने जैसे ऊपर से वो। अच्छा मैं इसको बेल बॉटम्स के साथ पहनूं? हाँ मतलब कोई भी आप अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से पहनें। के साथ तो मैं पहनूंगी तो फिर मुझे असल में मैं छोटी हूँ ना तो मैं सिगरेट पैंट्स में थोड़ी सी लंबी लगती हूँ, अगर मैं बेल बॉटम पहन लूँ तो मैं बहुत दबी दबी। अपना बॉडी टाइप देखना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अच्छा अब जब मैं इस आउटफिट को इस दो तरीके से यूटिलाइज करके बोर हो जाऊंगी तो मैं इसको चोली बना लूंगी। अच्छा इस कपड़े को मैं निकलवा लूंगी और इस कपड़े का मैं अलग जो है वो एक लाइक वो नहीं होता शरारा टाइप, उसके अंदर जो है वो कपड़े ऐड कलियां है ना, आप देखें कलियां ऐड करके एक और शरारा भी और बना इससे जो नीचे नेट वाला है भरे वे उस तरफ करो कैमरा उधर है मेरी माँ भरे वे से, ठीक है। ये आपने चोली सेपरेट कर ली और आप ये प्रीवियस प्लेन उसके साथ भी पहन सकते हैं और इस भरत को आप किसी और तरह भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं हूँ तो मैं तो प्लेन के साथ ही पहनूं क्योंकि चोली पे अगर काम हुआ तो फिर मुझे अच्छा लगता है। अगर अगर आप इसको कैसे यूटिलाइज करोगे, इसको फिर आप ऐसे यूटिलाइज कर सकते हो कि आप कोई बेल बॉटम का कपड़ा ले लो और उसमें इसको जो है वो एप्लीक करवा दो तो वो अलग से आपकी पैंट्स बन सकती है। जैसे तुम ये तुम्हारे कहने का मकसद ये है कि जो ऊपर वाला कपड़ा है आपने बेल बॉटम बनाए और उसके बेल बॉटम के साथ आपने इसको फिक्स किया, साथ भी कर सकते हैं और आप देखें ये इस तरीके से आप कलियां नीचे कहीं यूज कर सकते हैं। हाँ, यानी भी जाया ना नीचे अस्तर की तरह बेल बॉटम आ गया और यही नेट और यही काम जिसके वो है कलियों पे नीचे पैंट्स में कहीं यूज कर लिया। सिर्फ दर्जी के पैसे खर्च। क्या आइडिया आ रहा है, अगर मैं इसको चेंज करूँ ना, मैं इसको ऐसे ही रखूँ लेकिन मैं इसका कलर कॉन्ट्रास्ट में आ जाऊँ, मैं पीच के साथ इसको पर्पल कास्ट मैं फिरोजी में ले जाऊंगी, फिरोजी में ले जाऊँ और मैं क्या बनाऊँ, मैं जामा वार का ना वो जो प्लाजो टाइप होता है ना, क्या होता है वो अजार इजार। हम लेटर ऑन इसकी चोली को यूटिलाइज कर रहे हैं सेपरेटली विद दिस और एक्चुअली कलर ऐड हो जाएगा। यस गुड आइडिया। चोली को अलग करने के बाद ये जो नीचे का है बचा हुआ, क्योंकि देखिए इसमें कलियां तो ऑलरेडी डली नहीं है, मैं इसको एज अ फ्रंट ओपन नी लेंथ शर्ट भी बना सकती हूँ। अगर आपने स्लीव्स ऐड करनी है तो प्लेन इसका ऑर्गेन्जा का डाई करा के स्लीव्स ऐड करें, आई वुड वेयर इट स्लीवलेस। आपने फ्रंट ओपन बना हुआ है, स्मार्ट से सिल्वर बटन स्टोन्स वाले लगाए, यू हैव अ रेडीमेड शर्ट दैट यू कैन वेयर। मुझे नहीं समझ आया ये वाला तुमने क्या किया, इसको अलग कर दिया, चोली तो अलग हो गई ना। अब जो ये नीचे की हमारी कलियों का शर्ट बना ली, ये स्कर्ट जो बना हुआ है ना उसमें आपने टेलर से कहा कि इसका गला काट के आस्तीन काट के फ्रंट ओपन के ऊपर बटन लगा के नी लेंथ हो जाएगी। देखो ये इस तरह गला कैसे कटेगा इसका, तो ये तो पूरा खुला हुआ है। नहीं नहीं ये आराम से यूं कट करके टेलर कट करके आपको बना देता है। अच्छा ये फ्रंट में जोड़ आएगा, ये फ्रंट पे जोड़ आएगा, इट विल बी अ फ्रंट ओपन शर्ट, A-line फ्रंट ओपन शर्ट हो जाएगी कोई भी कलर बटन्स के साथ। कहने का मेरा कहने का मेरा मकसद ये कि जब हम काम करा रहे होते हैं ना तो एक इन्वेस्टमेंट होती है। अब ये एक जोड़ा जो है वो जाहिर है एक कॉस्ट पड़ रहा है आपको, चोली की तरफ भरत हुई भी है, इन भरत को आप
रीयूटिलाइज कर सकते हैं। मैं तो ऐसे करती कि ये मेरी साड़ी की चोली होती और नीचे मैंने फराल का जो है ना शरारा बना लेता। ये भी बहुत अच्छा आइडिया, मेरी अम्मी ने यही किया है, आधे कपड़े खुद अपने लिए रख लेती थी और बाकी हिस्सा हमारी बहनों के। मेरे साथ तो यही हुआ है। और सुनिए, आपने जितना यूटिलाइज कर लिया कर लिया, पहन लिया, उसके बाद में क्या कर रहे हैं आप? इसको टेबल के वो जो बिछाते हैं ना लाइट्स के, टेबल मैट्स बिछा ले, रनर्स कुशन कर लें, कुशन का बहुत अच्छा कर सकते हैं, कुछ वो रोल करके। तो इसका मतलब आप जब शादी कोई करीब आ रही है और आपने कढ़ाई वाले को कढ़ाई के लिए कपड़े देने हैं तो आप ये सोच लें कि ये आप साला साल तक कढ़ाई ऐसी जगह से करवाएं कि कढ़ाई काली ना हो, और ऐसी इसको आप कितने सालों तक यूटिलाइज कर सकते हैं। हमने आपको आइडिया दे दिया क्योंकि अब आपका दिल, मैं गई कढ़ाई वाले के पास थोड़ी सी कढ़ाई करानी, तो उसने कहा जी बाजी 45,000 रुपए। मैंने कहा क्या, मैं एक आउटफिट के लिए 45,000 रुपए खर्च करूं? मगर अब मुझे ये लग रहा है तो अगर मैं 45,000 रुपए खर्च कर रही हूँ उस कढ़ाई, बार बार यूज कर सकते हैं, सो मैं उसको इसके बीनिश के आइडिया से मैं उसको बार बार यूटिलाइज कर सकती हूँ अलग अलग जोड़ों पर। ऑब्वियसली जब इतनी महंगी कढ़ाई होगी तो उसको करना ही पड़ेगा, जैसे कि दिमाग खुद ही खुलता जाएगा। कैसे किरण ने कहा टेबल मैट्स बना लें, तो आजकल तो टेबल मैट्स भी इस तरह के जो काम वाले होते हैं, जो आपको फॉर्मल डाइनिंग के लिए अपने डाइनिंग सेटअप के लिए चाहिए होते हैं, एक मैट 6,000-7,000 का मिल रहा है। तो आपके पास अगर घर में इस तरह की चीजें हैं जो कि आप पहन पहन के उनको that's a very good idea actually. कर्टन ड्रेप्स बना लें, कितने ऐसे दुपट्टे होते हैं जो आपके कर्टन ड्रेप्स के लिए डिफरेंट होते हैं। अगर आप एक सिर्फ साइड पे रखें ना, सिर्फ साइड पे ही, वैसा वाला ड्रेप नहीं कह रही मैं, मतलब एक साइड पे, जैसे मैंने कर्टन बनाए हुए बिल्कुल नॉर्मल कर्टन होते हैं और साइड पे मैंने ना वो सिर्फ एक बेल रखी हुई है तो अच्छा लगेगा। फिजा क्या बताए? अच्छा, अभी 5 अक्टूबर गुजरी थी तो मेरी बर्थडे थी और मैं सही बैठी बर्थडे के लिए कोई ऐसे चितना मेरे पास शॉपिंग का टाइम भी नहीं था। तो पुरानी चीज़ों को निकाल के मैंने पिक्चर्स भी अपलोड की हुई हैं ये वाली, तो आज उसकी असलियत भी लोगों को पता चल जाएगी। फिर मेरे पास ये पुराना पड़ा था मॉनसून, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव ब्रांड होता है ये, तो वैसे मैं ये दुबई से लेकर आई थी मगर भी ये लाहौर में, और अभी मुझे किरण ने हॉलीडे ड्रेस है ना किरण ने मुझे बताया कि ये अब यहाँ इधर कराची में भी खुली थी शॉप, मगर महंगी थी तो लोग खरीदते नहीं थे तो फिर बंद हो गई। बंद हो गई बहुत महंगा गाउन मेरा, एक फ्रॉक था लंबा, ठीक है, इसके साथ मैंने कैरी किया था। स्क्रीन पे कितना प्यारा लग रहा है ना ये पैंट, इसके साथ मैंने ये जैकेट कैरी की थी बड़े अच्छे तरीके से। और इस जो ये जो इसकी डोरी है इसको आप इस जैकेट के साथ भी ट्रैप कर सकते हैं, इसके बगैर भी ट्रैप कर सकते हैं। तो मैंने मेरे बाल आजकल ये स्टाइल चल रहा है ना फिजा कि एक तरफ से ड्रेप करें एक तरफ से खुला रखें, है ना, इस तरह का भी स्टाइल चल रहा है। यस, तो फिर मैंने इसको इस तरह से कैरी कर लिया था और ये मेरा महंगा था, ठीक है, और ये मेरा बहुत सस्ता था, ये मैंने 450-450 का लिया था। क्या मतलब वो महंगा था क्या सस्ता? वो तो मैंने असली ब्रांड से लिया ना, वो डॉलर्स में होगा ना, तो ये मेरा लंडा का ब्रांड था और इसको मैंने अभी पहना है तो मेरी पिक्चर्स भी इंस्टा पे बल्कि लगी हुई है। हाँ। तो इसका वो टैग इसलिए मैंने काट दिया क्योंकि जो ऊपर एक लंदन का वो होता है ना लंदन की स्टैम्प का वो टैग था। हाँ। और इसकी मिसाल में इसका ये देखें आप, बटन जो था ना वो इस तरह की कहानी में था। हाँ। तो ये समझ आ जाता है, ये पहचाने होती है मगर आपको कहाँ पता चल रहा है कुछ भी, यू नो, मगर बटन तो तुम रिप्लेस भी कर सकती हो, है बटन तो तुम रिप्लेस भी कर सकती हो। टाइम मिला ना, ला के रखा हुआ था, ड्राई क्लीन हुआ हुआ था, ड्राई क्लीन से पहले हम घर में भी ना डिटॉल में इसको अच्छी तरह से धो चुके हैं, पानी में डाल के रखे, उसके नया लग रहा है लेकिन, मगर ये लाई में बहुत पहले थी लंडा से, अभी नहीं लाई थी इसको, लाई में भी पिछली सर्दियों में जब गई थी तो वहाँ से। वैसा मटेरियल है ये, मोटा जॉर्जेट टाइप, और अपनी तरफ से ये भी ब्रांड है, ये भी कोई बहुत बड़ा ही कोई अच्छा ब्रांड था, ये भी कोई आम ब्रांड नहीं था, लंडा में सारे ब्रांड ही मिल रहे होते, बट इसको जब मैंने कैरी किया था इसके साथ तो मैं बहुत अच्छी लग रही थी। और मैंने इसको नीचे थोड़े से बूट होते हैं ना बूट स्टाइल के साथ पहना था, वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये मेरी कहानी थी और इसको मैं इस कोट के साथ भी कैरी कर सकती हूँ इफ आई वांट कि मुझे स्लीवलेस लुक नहीं चाहिए। हाँ। तो मैं इसके अंदर कोई सी भी ऐसी शर्ट डाल के, अच्छा पहले अंदर पहनी शर्ट फिर ऊपर ये पहन कवर कर सकती हूँ। हाँ। वरना फिर मैं ये कर सकती हूँ कि जैसे अगर कोट स्टाइल भी नहीं चाहिए तो इसी शर्ट को मैं लेके यहाँ से इसको बांध दूंगी तो ये बड़ा एक अच्छा स्कर्ट, आल्सो लाइक हाई फैशन की तरह फिर अच्छी कोई हील्स पहन सकती हूँ जिस हील में इतने प्यारे लग रहे, मजा आ रहा है, मतलब एक पूरा इसकी। अच्छा मैं खुद पिक्चर कर रही हूँ ना, वो जैसे इसकी लेंथ देखिए नीचे जमीन तक नहीं है ना,
तो स्टिलेटोस बहुत अच्छे लगेंगे या ब्लैक या स्किन यू नो एनीथिंग आल्सो आई कैन कैरी रेड विद दिस विद लाइक आपने जो रेड हॉट लिपस्टिक लगाई है वो मैं लगा सकती हूँ तो ये मैं इसके साथ ऐसे ये मेरी एक कहानी खत्म हो गई और वो बेल्ट क्या है वो बेल्ट किसी और के साथ वो बेल्ट एक्चुअली इसके साथ नहीं है वो बेल्ट मैं बताऊंगी वो किसके साथ है अच्छा और ये जो मैंने पहना है ये मेरा एक बड़ा अच्छा डिजाइनर है करिश्माश तो उसके साथ मैं ये पहन चुकी हूँ ऑलरेडी कैरी कर चुकी हूँ कि ये कहानी ऐसे आजकल ये बड़ा ट्रेंडिंग में कि कोई भी पट्टा पीछे क्योंकि मैंने धोती पहनी है ना धोती सलवार और लंबी कमीज के साथ लंबी कमीज के साथ बड़ा आजकल हाई फैशन तो दुपट्टे को ऐसे पीछे आपने साड़ी टक इन कर दिया वो हाँ। और शर्ट आपने बाहर निकाल दी और शर्ट बाहर निकाल के तो आपने इसको इस तरह से कैरी कर लिया आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में क्योंकि मैं छोटी कमीजें अवॉइड करती हूँ लेकिन ये तो मैंने अपने लंबी कमीज के साथ पहना है तो मैं वही देख रही हूँ क्योंकि सर्दियाँ आ रही है तो फिर लंबी कमीज लेना नहीं सर्दियों का इससे कोई लेना देना नहीं आजकल सब फैशन चल रहा है धोती के साथ बड़ा फैशन लगता है इसको धोती सलवार कहते हैं इसको वो कहते हैं ट्यूलिप ट्यूलिप कहते हैं मगर इसका घेर ज्यादा यहाँ से मगर ये छोटी कमीज के साथ की नहीं है कोई सी भी कलर का या गोल्ड में कोई भी आपके पास ये मेरा सस्ता ही है कोई H&M इतना महंगा ब्रांड नहीं है तो ये उसका है ये पहन के आप किसी भी बेल्ट के साथ ब्रांड है वैसे अफोर्डेबल ब्रांड है हाँ और कुछ ऐसी क्वालिटीज इधर भी बहुत अच्छी मिल जाती है जैसे मेरे पास मुझे इनकी टी शर्ट्स नहीं पसंद क्योंकि वो एक ही वॉश में देसी सलवार कमीज को मॉडर्न लुक दे दी बेल्ट पहन के देखो ये बेल्ट भी है मेरे पास हाँ ये बेल्ट अच्छी लगेगी तुम्हारी वाली दो ये वाली नहीं अच्छी लगेगी जबरदस्ती की बेल्ट लग रही थी गोल्ड में या कोई भी ऐसी बेल्ट आपने कैरी करके मैं वही कब ये क्या कर रही है इसको बाहर निकालना है पीछे वाले को दुपट्टा बाहर हम पीछे कर हम बाद में पीछे से अगर तुम ये ये हाँ नहीं ये तो ये साइड का है यहाँ से अटका लो ये वाला वाह फ्रेंड तो लुक तो दिखाइए इनको लॉन्ग में दिखाइए फिजा को फिजा तुम उधर ही करो ना तुम एक ही कैमरा नहीं है हमारे पास ठीक है हाँ बेल से बिल्कुल डिफरेंट हो गया थोड़ा स्टाइल आ गया और ठीक है ये कपड़ों का स्टाइल आ गया फिजा लेकिन ये वाला जोड़ा तुम 10 बार नहीं पहन सकती कौन सा वाला ये जो तुमने पहना हुआ है नहीं नहीं 10 बार नहीं पहन सकती क्योंकि देखिए जो ये बताया है ना फिजा ने ये आप हमारी जो ऑडियंस देख रही है वो अपने घर में जो उनके पास इस तरह के आउटफिट्स हैं उनको डिफरेंट तरीके से स्टाइल करके पहन सकती हैं जो ऑलरेडी पहन चुके हैं पता अच्छा मैं सच्ची बात कहूँ ये फिजा के ऊपर ये बहुत सूट किया यही चीज तुम्हारे ऊपर भी सूट करेगी मैं पहनूंगी ना तो मेरा कमरे का पता चल जाएगा कि जो मेरा कमरा है तो इसलिए मेरी उम्र की खवातीन तो ये नहीं स्टाइल कर सकती तो टीनेजर लड़कियां जो पतली हैं बेल्ट तो बांध दिखा रही हैं यार मेरे पर नहीं बेल्ट सूट करती और मैं बेल्ट बांधती हूँ तो मैं बहुत मोटी लगने लगती लेकिन लो नहीं वेस्ट पे बहुत द वाइड बेल्ट्स द थिकर चौड़ी बेल्ट अच्छी लगती है वही तो देन यू शुड गो फॉर चौड़ी बेल्ट यस चौड़ी बेल्ट मेरे मुझे पतला लुक देती है मिलाद शरीफ के लिए भी लुक होना चाहिए ना मतलब वो एक सलवार कमीज को वो तो खैर लोगों को इतना तो पता ही है कि ये कैसे करना है हाँ। तो ये मिलाद शरीफ वाला लुक भी है मतलब इसको आप किसी भी तरीके से कैरी कर ले चलो भाई आ जाओ किरण तुम्हारी तरफ अच्छा मेरी तरफ ओके एक मैं वैसे दिखा देती हूँ एक तो ये पहले मेरा ख्याल से अगर इन्होंने तस्वीर निकाली होगी तो ठीक है कौन सी वाली ये है शरारा जो बहुत पहना जाता है तुमने तस्वीरें दी नहीं बहन वो कहाँ से निकाल नहीं वो नेट से उसने यही तो देखा था मेरा जोड़ा ये वो जनरेशन वाले ना इस तरह के कॉटन के नेट से देख लो जरा अगर निकल सकती है तो हाँ ये वो वेस्ट कोट वाला तो मैंने क्या किया था मैं तुम्हारे इंस्टाग्राम पे हाँ इंस्टा पे मैं ये है जेंट्स वेस्ट कोट ये मैंने तारिक रोड से वो जो तारिक सेंटर पे पीछे दुकानें नहीं जहाँ पे लॉन के कुर्ते मिलते सिर्फ आदमियों के खुली दुकानें तो वहां पर मुझे कई दिन से ना क्रेज चल रहा था कि मुझे वेस्ट कोट पहननी है वेस्ट कोट पहन रही है तो मैं जामावार की ढूंढ रही थी वो थी 5-5, 6-6 हज़ार की मैं ज़्यादा ख़र्चा नहीं करने वाली थी तो मुझे ना ये प्रिंटेड अच्छी लगी यूँ देखने में लगेगा कि हाँ ठीक है मतलब ओके चीप सी है 600 रुपये की मैंने ये ली और इसको मैंने तो अपने YouTube पे डिफरेंट स्टाइल्स के साथ भी बताया है कि मैंने जीन्स के साथ इसको ब्लैक शर्ट के साथ पहना है जैसे ये ब्लैक शर्ट है ना कॉटन की मैंने बता देते हम YouTube से ही निकाल लेते हाँ तो वो मैंने अब देर हो गई बताया था खैर मगर ये मैंने इसको अपने शो पे कैसे पहना मैंने ये वाइट कुर्ता लिया मैंने इसमें ये पहना इसके साथ पूरा बटन बंद समझ रही हूँ पूरा ये बंद रहेगा तो ये हाई नेक मुझे खुला नहीं और नीचे शरारा वाह
और झुमकियाँ पहनी थी। अच्छा, आप जैसे मैंने यहाँ से पिक किया, मैंने यहाँ से पिक किया किरण का जो ये एक वाइट शरारा है, हाँ, ये कितनी सारी चीजों के साथ चल सकता है, अलग अलग लुक्स के साथ। मेरे पास एक वाइट गरारा है और मैं उसको मैंने खरीदा हुआ कहीं अच्छी जगह से, तो उसका कट वट बहुत प्यारा है, तो मैं उसको इतनी जगह यूटिलाइज करती हूँ उस वाइट गरारे को, ऐसे ऐसे पूरा आउटफिट चेंज हो जाता है कि देखो कितना वाओ। ये वाइट शर्ट भी बेसिक कलर ना, ये बेसिक कलर है, ये इसका शरारा, ये शर्ट जनरेशन से ली थी, ये शरारा, ये नहीं नहीं ये भी वो मर्दों की दुकान। अच्छा, अल्लाह, कुर्ता, ये कुर्ते ही मिल रहे हैं वेस्ट कोट के साथ पहनने के लिए, ये आदमियों के लड़कों के साइज के। अच्छा, ये दे दें, ये भी वीडियो भी बनाई है। हाँ, पूरी वीडियो बनाई है। मैं गिनी हम लोग शॉपिंग करने गए हुए और ये शरारे के साथ, ये वेरी नाइस, ये भी बहुत अच्छा लगा। ऊपर की चीजें चेंज होने से आपका पूरा बिल्कुल नया आउटफिट बन गया, नया बन गया, और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी जो। अच्छा, और इस दूसरा ऊपर कोट कहाँ से लिया था? ये कोट, ये भी बहुत प्यारा है, नहीं नहीं, ये जो वो एथनिक से दुकानें हमारी नहीं होती है जहाँ पर वो बेड शीट, बेड कवर, शॉलें और वो मिलती हैं, ये नेकलेस, तो ये था टेबल कवर। अरे बाप रे, तो टेबल कवर का मैंने ये ऑर्डिनरी सा यार, बिल्कुल जैसे कि फट जाएगा। हाँ, इसी तरह के मिलते हैं ना, ये एम्ब्रॉयडरी हुई थी, ये नेकलेस भी जाएगा इसके ऊपर, एम्ब्रॉयडरी, ये देखें, इसके ऊपर नहीं जाएगा फिर, नहीं, इसके साथ ना वो बेल्ट है गोल्डन वाली। अच्छा, ये पहले इतने कलर है ना, तो नहीं जाएगा, ये जाएगा, नहीं, वो दूसरी गोल्डन चौड़ी है ये वाली, ये ओके, ये वाली मैं, ओए अल्लाह, मर जावा बेल्ट के साथ। देखिए आप जहानत देखिए, क्योंकि इतना प्रिंटेड है ना कोट, तो उसके साथ जो बेल्ट रखी है वो बिल्कुल प्लेन और गोल्डन, बिल्कुल स्टैंड आउट कर रही है, मतलब कहते हैं स्टाइलिंग। और ये भी नहीं कि कोई महंगा है या एक्सपेंसिव है, मतलब ये ना उसकी कढ़ाई बेल्ट में अटकेगी ना कुछ ऐसा। और मैंने इस कोट को जो है ना, ये जैकेट को मैंने बहुत बार पहना है, मैंने जीन्स और टी-शर्ट के साथ, मैंने इसको कई बार यूटिलाइज किया, मैंने ईस्टर्न वेयर में, एक मेरे पास ये है और एक मेरे पास ये भी टेबल क्लॉथ की बनाई है, ये भी, ये देखो इससे ये थोड़ा सा रंग इसका छुटा क्योंकि वैसा है। मुझे बताओ ये किस चीज की बनाई है? उसी उसी टेबल क्लॉथ की, चादरें, बहुत अच्छा ये, जरा बता दो टेबल क्लॉथ कहां से मिलते हैं, बहुत अच्छा आईडिया शेयर किया, मैं बता रही हूं जहां पर आपको ये वेरी नाइस कुशन्स वगैरह मिलते हैं ना, शीशे के कुशन्स ऑर्डिनरी, उन्हीं के पास ये चादरें होती है, टेबल क्लॉथ, अच्छा एक और बात बताओ, बेडशीट इसकी बनाई है। जिस तरह से व्हाइट के साथ गरारा और शर्ट के साथ, शर्ट भी ऑब्वियसली आप चेंज कर सकती हो कुछ भी, लेकिन मैं जो बहुत पहनती हूँ जैकेट्स, जो लॉन्ग जैकेट्स, बिकॉज आई लव लॉन्ग जैकेट्स, उनके साथ मेरे घर में मैंने तीन बेसिक कलर्स के जंपसूट्स बना के रखे हैं, एक नेवी ब्लू, एक बेज और एक ब्लैक। अच्छा लगता है उनके साथ, इट गोज बिकॉज दीस थ्री कलर्स गो विद एवरीथिंग, तो अगर आपके पास ब्लैक एंड बेज, यूनिवर्सल कलर है ना, बेज तो विल गो विद एवरीथिंग, जैसे अभी ऑरेंज जैकेट है इसमें कोई ऐसा तीनों कलर नहीं है, बट बेज वुड लुक ब्यूटीफुल बिकॉज अगेन इट्स सो कलरफुल, आप थोड़ा सा उसे बैलेंस भी कर सकते हैं। प्लेन बॉस्की लिनन में भी बन सकता है, उसकी फॉल भी होगी, जॉर्जेट में, जॉर्जेट में बहुत अच्छा बनता है, जो कि लोकल जॉर्जेट है, नॉट टॉकिंग अबाउट द इंपोर्टेड वन, वो तो बहुत एक्सपेंसिव आती है, लोकल उसका फॉल ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि इट्स स्लाइटली थिकर। तो आप ये जंपसूट्स बना के रख लें, तीन बेसिक कलर्स में हो, आप कभी इसे छोटे ब्लेजर के साथ पहन लें, कभी आप उसे लॉन्ग जैकेट्स के साथ पहन लें, कभी आप खाली शॉल के साथ रैप कर लें, देयर सो मेनी वेज कि आप एक बेसिक जंपसूट को कितनी दफा रिपीट कर सकते हैं। देखो मेरी बॉडी टाइप पे जंपसूट सूट नहीं करता, बहुत सारी खवातीन हमारी ऐसी हैं जो हमें देख रही हैं, मगर जंपसूट के साथ आप ओवरकोट पहन सकती हैं ना, लॉन्ग वेयरिंग, देखो ये वाली जो चीज है ना हमारी, ये सबकी जो है ना वो लगी भी नहीं होती है, बच्चे पैदा करने के बाद ये वाले नीचे वाले लोअर आप निकल आते हैं जंपसूट से। मेरे पास जो जंपसूट्स है ना वो थोड़े से लूज में, तो जब आप बेल्ट बांधते हैं आप थोड़ी सी लूज बांधे वो फॉल आता है, मुझे लगता है हमारी खवातीन तो कैरी नहीं करती। मुझे एक बात बताएं निदा, आपको पीछे से बल्की होता है, आप कभी ट्राउजर टक्ड इन शर्ट के साथ पहनती है? हाँ, तो जंपसूट भी ऐसा बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल बनता है कि जब आप जंपसूट बनवाओगे तो आप अपने टेलर से कहोगे कि उसका जो टॉप है वो 3 से 4 इंच लंबा रखे, ठीक है, और जो आपका जहाँ पे ट्राउजर अटैच हो रहा है ना टॉप से, वहां पे आप उससे कहोगे आपको ड्रॉ स्ट्रिंग देगा,
ठीक है, तो उसमें होगा ये कि जब आप जंप सूट पहनोगे तो वो उसको कवर कर लेगा, अपने स्टमक पे जब टाइट कर लोगे तो वो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना जो 4-5 इंच आपने लंबा वो नीचे ओवरलैप कर लेगा। वेरी गुड आइडिया। जब वो ओवरलैप कर लेगा तो जो आप लोअर एब्डोमेन की बात कर रही हो वो छुप जाएगा, आपका लोअर एब्डोमेन बिल्कुल छुप जाएगा, क्योंकि मैं भी जंप सूट अपने कभी भी वो स्ट्रेट वाले नहीं पहनना चाहते, वो तो मैं हमेशा लॉन्गर टॉप के साथ अटैच करवाती हूँ, ड्रॉ स्ट्रिंग रखती हूँ, ड्रॉ स्ट्रिंग को मुझे जहाँ टाइट करना होता है टाइट करके ब्रेक के बाद आके बाकी करते हैं, बहुत देर से ये मेरे दिमाग खा रहे हैं। ब्रेक 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 सो ब्रेक, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको टेक्निक्स बता रहे हैं अपने एक ही जोड़े को कई बार इस्तेमाल करने की, और ये भी बताने और जताने की कि इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर किसी ने पकड़ भी लिया कि ये तो शॉल आपने उधर भी पहनी थी इधर भी, तो क्या जाएगा, आपकी मर्जी आपके कपड़े, आप उनको जवाब दें, यही से यही तो कमाल है आज के शो पे आपके शो पे। कुछ अगर जैसे यूनिक काम की हुई चीजें, यू नो मॉडर्न कपड़े हम हर तरीके से तो कैरी कर लेते हैं, बट कुछ ऐसा आइडिया जो बहुत यूनिक हो और कभी किसी ने ना किया हो किसी भी फंक्शन में, मुझे लगता है मेहंदी शादी खाना ओकेजन डिनर फॉर्मल everywhere you can carry these type of you know ideas, तो मुझे नए ideas आज किरण के through। अच्छा मुझे सबसे ना तुम सबसे अलग अलग ideas मिल रहे हैं, किरण थोड़ा मॉडर्न की तरफ जा रही है तो मुझे बीनेश जो है वो थोड़ा ईस्टर्न की तरफ ले जा रही है, ये जो है शर्मीन जो है वो फ्यूजन है, तुम्हारा बिल्कुल मॉडर्न है, सो मुझे आज चारों से एक अलग अलग वाइब्स आ रही है, और ऑडियंस हमारे हर तरह के, वो इस तरह के भी है, वो इस तरह के भी है, वो इस तरह के, ये मुझे एक सबको नया यूनिक आइडिया मिल रहा है। अच्छा एक बात बताऊं निदा, जैसे कि मैंने शो पे स्टार्टिंग में कहा था कि मैं क्वीन हूं रिपीट करने की, और वही आपकी वाली बात और आपकी कि लोग पिक कर लेते हैं, ऑब्वियसली हमारी ऑडियंस भी बहुत, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, यू पुट एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया, यू पुट योर पिक्चर्स, लोग फॉरन पिक कर लेते हैं, और मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं कि सुनिए ये शूज तो फेंक दें, अच्छा ये शर्ट तो पहनना छोड़ दे, मैं कहती हूं क्यों, मैं क्यों पहनना, मेरे लिपस्टिक के आते हैं, मैंने खुदा के वास्ते इस वो जो पीच लिपस्टिक लगाती हूं उस लिपस्टिक का पीछा छोड़ दे, अरे भाई क्या मुसीबत है। एक चीज आपको सूट कर रही है, आपको अच्छी लगती है और आपको पहन के अपने आप अच्छा लगता है, देन व्हाई शुड यू डिस्कार्ड इट, मेरी फ्रेंड जवाब दे दो ना, उनको बोलो कि यही तो कमाल है आप में, क्या ये कमाल है कि आप एक ही चीज को कई बार यूज कर रहे हैं। मैं नहीं जवाब देती हूं, मैं एंगेज नहीं करती हूं, लेकिन मैं फिर पहन के मैंने ये एक टॉप देखा था, ये कट देखा था मैंने ज़ारा से, ठीक है, अच्छा, और ये बहुत एक्सपेंसिव था तो मैंने नहीं खरीदा था, ओके, लेकिन मैंने अपने दिमाग में उसका डिजाइन बिठा लिया, फिर मैंने आके टेलर से बनवाया, ये तो अच्छा बनवाया है, मैंने ये सारे प्लीट्स वगैरह ये दिमाग में बिठा लिया, सिलाई भी अच्छी है, जो सिलाई आ रही है ना वो डिफरेंट कलर की आ रही है, तो मैंने क्योंकि डिफरेंट कलर था तो मैंने उनसे कहा कि मुझे बेज सिलाई डाल के दीजिए, और टेलर ने कहा होगा नहीं बाजी ऐसा नहीं होता, बुरा लगेगा बाजी, ये तो बहुत बुरा लगेगा, आप क्या कर रही है, आइडिया अच्छा है, आप रहने दें, आप प्लीज बना दें, क्योंकि मैंने ये फैब्रिक भी लोकल फैब्रिक खरीदा, ये वही जॉर्जेट की बात, आप इसका फॉल देखो कितना अच्छा फॉल है, कि ये इट लुक्स ब्यूटीफुल बना हुआ है, फ्रंट शॉट तो टेल पीछे बहुत लाइट है, पिक्चर कितने मजे से इसने वो किया हुआ है, अच्छा ये पिक्चर ने थोड़ी जल्दी लगा दी, पहले मैं ये बता रही थी कि ये मैंने टॉप देखा था बेसिकली टू वेयर विद डेनिम्स, ये मुझे डेनिम्स के साथ ट्रेनर्स के साथ वाइट ट्रेनर्स के साथ और डेनिम के साथ और सनग्लासेस लगा के मैंने किसी लंच पे जाना था, मैंने उसके लिए बनाया हाई फैशन और बहुत अच्छा लगा था, आई एम सॉरी आई डोंट हैव अ पिक्चर बट विद डेनिम्स एंड वाइट ट्रेनर्स एंड इट लुक वेरी कैजुअल, आप खुद सोचो कि अगर इस टॉप को डेनिम्स के साथ और वाइट ट्रेनर्स के साथ करोगे तो इससे ज्यादा कैजुअल हो नहीं सकता, और मैंने कोई ज्वेलरी भी नहीं पहनी थी बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप इट लाइट विद माई बिग ग्लासेस, माई हेयर ओपन वेवी से मैंने छोड़े हुए थे, मैंने पहन लिया, अब एक लुक हो गई, अब मैं क्या करूँ उसके साथ, तो फिर मेरा जो मैं एक शो होस्ट करती हूँ, अब वो पिक्चर लगा दें प्लीज़, जो ये मैं एक शो होस्ट करती हूँ तो उसके साथ मुझे थोड़ा सा फॉर्मल लुक देनी थी, तो आई वोर इट विद बेज ट्राउजर्स, क्योंकि देखिए इसमें बेज सिलाई है तो वो एकदम से बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया, ट्राउजर्स के साथ या ये नहीं, बेज ट्राउजर पहले से रखा था, बेज ट्राउजर किसके पास, पैंट्स टाइप जो आप बेल बॉटम सारे बेल बॉटम, ठीक है, उसके साथ मैंने ये अपना नेकलेस, ये प्यारा है ये नेकलेस भी, ये मैंने नेकलेस क्योंकि इसमें पर्ल्स है वाइट, ये मैंने कॉम्बिनेशन जो कि पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, अब यही चीज क्योंकि मुझे अगर दोबारा कहीं लंच वंच में पहननी हो, यू कैन सी ब्लू स्टोन्स हैं ग्रीन स्टोन्स हैं, मैं इसको इसके साथ भी पहनूंगी,
कलर ऐड कर पॉपअप कलर इसके साथ ये एक बिल्कुल डिफरेंट लुक हो गई ये ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे तो ये एक मेरी ये रात पे पहनोगी ना अच्छा ये डे पे अगर गई थी लंच पे या ब्रंच पे जीन्स और ट्रेनर्स पहने थे अभी अगर पूरी रात को जाना है तो ब्लू कलर रात में अट्रैक्टिव के साथ प्लेन ब्लैक ट्राउजर विद रेड लिप्स एंड रेड शूज अच्छा दूसरी बात ये क्योंकि ये सिल्क ट्राउजर्स हैं सिल्क ट्राउजर्स हैं तो दे कैन बी वॉर्न फॉर्मली टू अ फॉर्मल डिनर अच्छा या ब्लैक शूज और ब्लैक हील्स वो रेड हील्स और रेड लिपस्टिक के साथ अगेन वेरी फॉर्मल बट अगर मैं रेड लिपस्टिक लगाई हुई हूँ तो उसके साथ फिर मैं कोई नेकलेस नहीं पहनूंगी बिकॉज रेड लिपस्टिक इज वेरी लाउड आई डोंट लाइक टू एक्सेसराइज व्हेन आई एम वेयरिंग डार्क लिप कलर जो कि आपको पता है मैं बहुत रेयरली पहनती हूँ व्हाइट के साथ व्हाइट ही पहन लो अच्छा उसके साथ हुआ क्या व्हाइट भी बहुत है व्हाइट भी बहुत और फिर खाली तो व्हाइट ही पहन हाँ और कुछ ना अच्छा अब इसके साथ मुझे एक ढोलकी पे जान ढोलकी तो नहीं थी बड़ा इवेंट था इसके साथ तुम ढोलकी पे भी जाओगी आई विल शो यू हाउ बताएगी बताएगी झुमके ये तो पठान अपना पैसा नहीं खाता जो पूरा ये मेरा ट्राउजर था मेरे और ये पता है किसका किस चीज का ये पता है क्या ट्राउजर था ये मेरा वलीमे के जोड़े का गरारा पैंट से मैं यहाँ से इसको गिराती हूँ हाँ प्लीज गिरा तुम जुगाड़ू काम है मास्टर हो यार और बहुत अच्छे तरीके से मतलब उसको सी कितना अच्छा लग रहा है मैं तो तुम्हारी फैन हो गई हूँ इसको कैसे हम टेप कर सकते हैं अब मुझे लग रहा है ये सबसे अच्छा लग रहा है ओह माय गॉड क्योंकि इसमें मुझे ख्याल आया कि वाइट फ्लावर्स है और ये मेरी इसकी वलीमे की जो शर्ट थी वो बहुत छोटी थी और फुल वर्क था एंड आई डोंट वांट टू वेयर समथिंग टू हैवी लेकिन ये बहुत बड़ा इवेंट था माइंड यू इसमें 600-700 लोग थे अच्छा तो मैंने ये पहन तो लिया लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा ऊपर से लाइट लुक है तो फिर अच्छा जी बेहतरीन प्यारा ये मैंने एज अ चोकर अपने फ्रंट गले में बिल्कुल टाइट करके पिक्चर है इसकी नहीं यार पिक्चर में बहुत मुश्किल से पिक्चर ये अच्छा लग रहा है अच्छा सुनो ये शरारे के साथ एक और आइडिया आया कि अगर तुम बटन्स भी इसके खोल दो और जैसे वो बूट टॉप अंदर कोई बूट ट्यूब पहन लो हां हां लेकिन हां वो काम वो बंद हो के बंद हो के नहीं होता ये खुलकर नहीं आते ना तो इसका फिटिंग बहुत अच्छी आती है खराब हो जाएगी और इट गिव्स अ वेरी स्लिम लुक इसका नेक लाइन थोड़ा सा ब्रॉड है ना तो ब्रॉड है थोड़ा लो है तो उस पे जब मैंने चोकर बिल्कुल टाइट करके ये पहना था आई डिड नॉट वेयर इयररिंग्स मैंने बाल पीछे सिंपल बन बनाया था मैंने इयररिंग्स नहीं पहने थे क्योंकि चोकर बहुत हैवी था अच्छा तो वो एक लुक इतनी अच्छी आई थी इतनी स्मार्ट आई थी कि पीपल लव्ड इट नहीं ये नेकलेस और किसी को कानों का नहीं खबर होगा कि यही वो है जो बेज ट्राउजर के साथ अच्छा मेरी बहन ने देखा मेरी बहन ने कहा बहुत प्यारे लग रहे हैं ट्राउजर्स ये तुमने कब बनवाए लेकिन देखे हुए लग रहे हैं मैंने कहा आप ये 22 साल पुराने हैं ट्राउजर्स जो मैंने अपने वलीमे पे पहने थे वलीमे के जी वलीमे के जोड़े लड़की मजाक कर रही हो नहीं ये इसके साथ शर्ट बहुत हैवी थी दुपट्टा बहुत हैवी था लेकिन मुझे ट्राउजर्स इतने प्यारे लगते हैं कि आप इजीली मैंने कहा मैं इसको यूटिलाइज कर सकती हूँ एंड व्हाई शुड यू तो मैंने इसको इसके साथ यूटिलाइज अच्छा इसके साथ दुपट्टा कैरी करने की जरूरत नहीं नॉट टू टेक इट एज अ हाई फैशन क्योंकि ये बहुत मॉडर्न शर्ट है ना यार दुपट्टे से ना ये अजीब सी डल हो जाएगा फैशन बढ़ जाएगा मजा नहीं आएगा फुल लुक चेंज हो जाएगी तो ये मेरा तीसरा आउटफिट इसका निकला जो कि एंड जस्ट इमेजिन ये ब्लैक वाली भी तुमने बहुत अच्छे से यूटिलाइज की व्हाइट वाली भी ये मैंने डेनिम्स और ट्रेनर से लेके शादी के इवेंट तक इस एक शर्ट को चलाया है बेटा तुम वो महंगी वाली भी खरीद लेती मुझे लगता है तुम उसके पैसे वसूल कर ले लेकिन बात यही है ना कि ये सस्ते में इतनी बन गई हां मैं कह रही हूं तुमने क्यों नहीं खरीदी महंगी वाली उसी को खरीद लेती और क्या तीन चार दफा तुमने अलग अलग चीजों में खामा खाई में गलती से सिलवाई तुमने और वो ही जो कि बीनेश कह रही थी कि कभी ब्लैक ट्राउजर के साथ पहन लो विद रेड हील्स कभी ऑल व्हाइट के साथ कर लो द पॉइंट इज व्हेन यू हैव योर आउटफिट्स इन सच बेसिक कलर्स आपके वार्डरोब में बेसिक कलर्स सॉलिड कलर्स के को ना कोई भी महंगा गिफ्ट देते हुए दर्द नहीं होगा हमें पता होगा कि ये उसको वसूल कर ये उसकी खाल खींच के यूटिलाइज कर वो लोग होते हैं जिनको महंगा गिफ्ट देना वेरी गुड यार आई एम इंप्रेस्ड मैं इसके सलीके से तो इंप्रेस ही घर की चीजों में लेकिन कपड़े भी जिस तरह तुम यूटिलाइज कर और देखिए दिस अवार्ड्स अवार्ड गोस टू यू एक और बात देखिए जब केट मिडलटन जो नेक्स्ट क्वीन नेक्स्ट इन लाइन फॉर यू नो फॉर बीइंग अ क्वीन
जब वो इतने अपने आउटफिट्स रिपीट कर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? मैं बता रही हूँ ना कि ये बहुत अच्छा मैसेज है. अगर जैसे मैं बड़ी इंस्पायर हुई कि आलिया भट्ट के लिए मुश्किल था कोई जोड़ा, उसको तो कोई भी जोड़ा दे दे कि जाओ पहन लो. उसने अपनी शादी की साड़ी रिपीट की, बिल्कुल नेशनल अवार्ड लेने के लिए गई तो उसने कहा कि मैं कपड़े जो है मेरी फीलिंग्स थी, वो भी मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीलिंग थी, ये भी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट फीलिंग थी. तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि एक इतनी बड़ी पर्सनालिटी जिसको कोई भी डिजाइनर रिपीट ना करने दे, आराम से कपड़े दे दे, उसके पास कमी नहीं है. Yes. Two big days for exactly. her. So she wanted to, you know, connect those two big days with one outfit. कपड़ों की तो sentimental value है ना, एक आपकी attachment हो जाती है. कोई आप ऐसा outfit पहने ऐसे occasion पे, कपड़े हो गए, jewelry हो गई, आपकी मांगनी की अंगूठी, आपकी शादी, तौर पे कपड़ों से बहुत attached. बहुत attached. बिल्कुल. और होनी भी चाहिए यार, जब आप इतना पैसा spend कर रहे हैं, इतना time invest कर रहे हैं. दिल वो हो जाता है कोई कोई चीज मिल ना रही हो घर में कि वो शमीज नहीं मिल रही. मुझे तो शमीजों से भी अटैचमेंट है. आप सही कसम खुदा की सही कह रही हैं. एक्चुअली शी इज राइट, शमीजों से ज्यादा अटैचमेंट होती है बिकॉज़ आपकी एक फिटेड, अगर आपने एक सफेद या काली शमीज रखी हुई है जो आप मल्टीपल शर्ट्स पे पहने हुए हैं तो उसके अंदर आपके सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व्ड होते हैं. आप उस शमीज के बगैर, मेरी लाल शमीज है, मेरी बेटी बार बार चुरा के ले जाती थी अपनी अलमारी में. अच्छा. और मैं कहती थी यार पता है वो कलर ऐसा है कि आपको नहीं मिलता. वो मैंने किसी वहां से अमेरिका से खरीदी हुई थी. हाँ. वो पुरानी चली जा रही है, वो रेड शमीज नहीं मिल रही. उल्टे करो सारी अलमारियां ढूंढो. सो आप कपड़ों की बात कर रहे हैं, आपके कपड़ों की एक बेसिक जो होती है चीजें, उससे भी आपके अटैचमेंट हो जाते हैं वो वाले. हाँ. चलो आगे की कहानी शुरू करें आप. आपको ये टॉप याद है? मुझे भी याद है. हाँ, मैं भी थी उस एपिसोड में. हमने साथ एक शो किया था. हम भी साथ ही थे. हाँ, ये भी थी जिसमें हमने सबको याद है. मैं तो गजनी हो गई, मुझे तो याद ही नहीं. साड़ी से कोई आउटफिट बनाना था, किसी पुरानी साड़ी से एक आउटफिट बनाना था. अच्छा. तो वो आप ही लोगों ने बजट दिया था, तो वो साड़ी का नीचे मैंने एक स्कर्ट बनवाया हुआ था. ठीक है, ये उसका टॉप है. अब बेसिकली मेरे पास ये एक ये ऑफ शोल्डर है ड्रेस. मैं कब हटा लूं, मुझे डर लग रहा है कि वो कब गिरेगा. हां हां गिर जाएगा. ठीक है. अच्छा, ये एक घाघरा चोली है जो एज इट इज मैं पहनती हूं. ठीक है. लेकिन अब आपको पता है घाघरा चोली मेहंदियों पर डांस कर लिया फिर रिपीट नहीं कर सकते, सेम फ्रेंड्स होती हैं. तो इस चोली को हटा के, क्योंकि देखो वो घाघरा प्लेन है ना, मतलब दादा उस पे इतना काम वाम नहीं है. शर्मिन यू कैन हेल्प हर. हाँ, नहीं बस कुछ भी नहीं, बस ये हटना है और ये लगना है. अब ये लगा ठीक है और ये दुपट्टा लग जाएगा. ठीक है, ये इसका दुपट्टा लग गया. मतलब बिल्कुल डिफरेंट आउटफिट हो गया. अल्लाह, वो वेलवेट के साथ. इसके साथ मैं ये पैंट्स जो है वो लगा के, ये जो चोली है. हाँ, ओके, ये दो अलग लगा के, ये एक रैंडम सा नॉर्मल कपड़े का ओवरकोट मैंने बना के. ओ मेरे खुदा, ये लड़कियां, ये चोली अच्छी लग रही है. आइडिया देखे बस, आइडिया. और पता है इसको करने में मजा बहुत आता है. चोलियों पे काम करवाने पे ना मुझे बिल्कुल पैसे खर्चते हुए वो नहीं लगता, क्योंकि वो चोलियां बहुत जगहों पे आप मल्टीपल यूज में कर सकते हैं. ये कुछ, ये सब कुछ करने में इतनी क्रिएटिविटी फील होती है, इतना मजा आता है. मैं खाली अभी मुझे, मैं एंजॉय कर रही हूँ तुम लोगों की. इसके अंदर ये वो जो पिंक वाली चोली है, अगर वो भी डाल दें ब्लैक पैंट के साथ तो बड़ा चटापटी कलर, बड़ा शॉकिंग, ये भी कर सकते हैं. आप चोली बार बार बदल सकते हैं. अच्छा, जरूरी ये भी नहीं है, मैं इसके साथ एक नेवी ब्लू प्लेन जॉर्जेट की साड़ी बना के ये चोली भी यूज कर सकती हूँ. सो टेक्निकली ये जो है वो इधर भी यूज हो गया, बेल बॉटम के साथ भी यूज हो गया, शरारे के साथ भी यूज हो गया, और ये इधर भी यूज. भाई शादी के पीसेस तो ऐसे ही बनाने चाहिए. इसमें काम हो, जो आपके महंगे पीसेस होते हैं वो इस तरह बनाने चाहिए कि आप ये सोच लें बनाने से पहले कि मैं इसको इधर 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 अदली बदली अदली बदली करते रहे. अच्छा, अब आप देखिए, दुख होता है यार कि एक दफा आपने बना लिया शादी पे इतना महंगा कपड़ा वपड़ा बना लिया और वो फिर अटैची में पड़ा. हाँ, बिल्कुल, बड़ा मुझे तकलीफ होती है. अब जो असल इन्वेस्टमेंट है वो इसमें सिर्फ चोली के ऊपर काम जो है वो ज्यादा किया हुआ है. और एक घाघरा चोली के कपड़े से मैंने तीन शादियों के कपड़े बना लिए. बिल्कुल. टेक्निकली इस घाघरे को इसके अंदर रखो. नहीं, वो ब्लू कलर ऑरेंज के साथ नहीं, मुझे मजा का लग रहा है. हाँ, मैं चेक करना. नहीं, जरूरी ये भी नहीं है, ये तो मैंने ऑरेंज कलर का बना लिया. आपका दिल करे आप कोई और कलर बनवा लें.
वो शरारा और पतला सा कपड़ा ही है, कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है। हाँ नहीं, ब्लू और ये नहीं अच्छा लग रहा। कलर बाकी जबरदस्त, बेल बॉटम के साथ सही, ट्राउजर के साथ सही अच्छा लग रहा है, बेल बॉटम के साथ अच्छा लग रहा है। और ये टॉप किसी और आउटफिट की है, पिंक बेसिकली सही, जो मैं इसके साथ लगा रही हूं। और आप देख सकते हैं चल रहा है ये देखिए, ये इटसेल्फ इट्स अ वेरी यस ये सही है बिल्कुल, ये प्यारा लगा। पिंक और ब्लू का बहुत खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन बन गया। मैं वही देख रही थी और किसके वार्डरोब में ऐसी चीजें जो उसके साथ मैच कर जाए, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है अभी। अब अगर कुछ निकाला वो लेके भी जाना है फिर हमने साथ। भाई के टाइम खत्म हो गया, मेरे पास है एक चीज, मेरे पास एक है चीज और लेने के साथ अच्छी। नहीं 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 मैच करेगा ये, इट कुड नॉट, जल्दी से दिखाओ अपनी यार, टाइम खत्म हो रहा है, टाइम और दिखाना है, और दिखाना है। नहीं अभी है हमारे, कितनी देर है, एक घंटा है, ब्रेक है, ब्रेक पे जाने को कह रही थी, ब्रेक ले सकती है, ब्रेक पे जाना है, कोई बात नहीं, ब्रेक वाकई मुझे इस वक्त ब्रेक की जरूरत है, इन दोनों की जहानत देखने के बाद तो बनती है, शर्म आ रही है अपने ऊपर कि निदा चार पांच दफा और पहनो वो वाले कपड़े। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इससे पहले देखिए हम आपको जो दिखा रहे हैं ना आज, मैं एक तो अपनी ये सारी जितनी भी मेरे साथ लड़कियां बैठी हैं इन सबकी फैन हो चुकी हूँ, और हम आपके फैन हो गए इस बात के बाद सीरियसली, क्योंकि मैं खुद इतना सीख पाती हूँ इन लोगों से, तो आप सोचिए कि आप भी सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, और ये जो वजन है ना कपड़ों का वजन, ये कुछ कम कर सकते हैं आप, ये जो दिमाग पे वजन आता है ना, एक ये एक वजन है। और दिसंबर में इतनी शादियां आ रही हैं, और मुझे पता है कि अभी रुख यही होगा, चार बहने हैं तो अब्बा की वाट लगा दी होगी कि उन्होंने अलग अलग कपड़े बनाने। सो इससे पहले कि मैं दोबारा आप लोगों की तरफ आऊँ और आइडियाज आप से सीखूं और लोगों को सिखाऊं, मैं बताना चाहती हूं कि 21st और 22nd अक्टूबर को जो एक्सपो सेंटर में इवेंट हुआ था सहूलत से शादी का, जिसमें कितने सारे रिवॉर्ड्स आपने जीते, तो वो ख़त्म नहीं हुआ अभी भी, परेशान नहीं हो, पहले तो थैंक यू कि आप सब लोगों ने उसे कामयाब बनाया, अटेंड किया। लेकिन अगर वही सहूलत आप पाना चाहते हैं तो आप ARY ज्वेलर्स की ब्रांच पे चले जाइए, वहाँ भी आपको वो सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो एक्सपो सेंटर में मिल रही थी, ज्वेलरी हो गए, ड्रेसेस हो गए, फर्नीचर हो गया, ये सारी सहूलत आपको मैसर होगी। अभी भी वो दो दिन में ख़त्म नहीं हुई, और अगर कुछ डिज़ाइनर्स चाहते हैं पार्टिसिपेट करना इस सहूलत की, जो सहूलत से शादी की जो कैंपेन हमने चलाई है, तो आप ये जो नंबर्स का बैंड चल रहा है हमारे शो पर, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी तो मैं वापस आ गई, तुमने बताया था बीनी, फिजा तुम्हारी बात, चलो फिजा तुम्हारी तरफ चलते हैं, मेरी तरफ आ रही, चाय भी पी लीजिएगा। अच्छा हाँ, वैसे मुझे पता है आप बहुत मेहमान नवाज हैं, पिछली ब्रेक में बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा था ना ये जंपसूट, तो ये वो जंपसूट है जो कि प्लेट्स के साथ है, तो ये कमर को ना थोड़ा सा पतला दिखाता है और थोड़ा सा इजी हो जाता है वो, ये वाली जगह बल्ज नहीं आता, तुम नहीं आता, मेरे तो वैसे ही बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारा तो माशाल्लाह है ही ना, मुझे कोई स्ट्रेच मार्क्स है ना कोई तकलीफ। अच्छा ये ज़ारा का है, तो ये थोड़ा सा अंदर इसके कैमिसोल अगर स्मार्ट सब कुछ भी पहन लिया जाए स्लीवलेस वाले, तो इसका लुक बड़ा अच्छा सा आता है, मगर मैं इसको इस तरह से भी कैरी करती हूँ, क्योंकि मुझे अब टाइम हो गया, मेरे ख्याल से 5 साल हो गए मैंने स्लीवलेस छोड़ दिया, और मैंने ये बोल दिया था कि अब मैं कोई भी ऐसे कपड़े, वैसे अल्लाह ना करे मैंने कभी कोई वल्गर कपड़े पहने नहीं है, मगर आई यूज़ टू वेयर स्लीवलेस यू नो एज अ मॉडल, मुझे 10 शूट पे डिज़ाइनर्स के ब्राइडल्स वगैरह पहनने पड़ते थे, फिर 5 साल पहले मैंने ये अपने आप से अहद किया कि कुछ भी हो जाए मैं स्लीवलेस नहीं पहनूंगी, तो वो स्लीवलेस मैंने जब अपनी ज़िंदगी से हटाया तो फिर मुझे इस तरह की चीज़ें कैरी करनी पड़ती हैं बहुत ज़्यादा, तो कोई भी ऐसी जॉर्जेट शिफॉन कोई भी बोलेरो और ये वो सारी, हाँ उसके साथ मैं इनको फिर ये कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने ये देखा था कि जैसे बहुत सारे आपको कपड़े डिज़ाइनर से वो जो है स्लीवलेस मिलते हैं, तो इसने ना किरण ने, क्योंकि मैं इतने सालों से सारे शो कर रही हूँ तो मैं इसको ऑब्जर्व करी होती थी, इसने बड़ी अच्छी अंदर पहनने की चीज़ें जो हैं ऑनलाइन मंगा के बड़ी अपने पास सेव रखी हुई थी, तो फिर मैंने किरण को देख के मैंने भी ख़रीदना शुरू की, अब मेरे पास
आस्तीनें खाली पड़ी हुई हैं जो कि यहाँ से लॉक हो जाती हैं। ऑनलाइन मंगाई, वो नेट वाली मटेरियल है, जर्सी का मटेरियल है और वो फुल स्लीव्स है। अब कोई डिजाइनर से मुझे कपड़े मिले हैं जो स्लीवलेस हैं, मैंने शो पे पहने, मैंने वो आस्तीनें अंदर पहनी और उसके साथ इतने मैंने उससे फायदा उठाया और मैंने इससे सीखा था। देखो इवन के वेस्टर्न टॉप्स इतने सारे होते हैं कि मैं जमा करती हूँ, कभी कोई पीसेस होते ना, तुमने ज़ारा से खरीद ली, तुमने फॉरएवर 21 से, तो मैं उनसे ना बलेरोज़ ये छोटी छोटी जो ओवरऑल चीजें होती है वो जमा करती हूँ। अच्छा, आप बहुत खुद भी बनवा सकते हैं ये, बनाए आपको लेसेस जो मिलती है, बहुत प्यारी लेस मिलती है ब्लैक कलर में, स्किन कलर में। मैंने ये दो कलर, स्किन कलर ब्लैक कलर और व्हाइट कलर, इन तीनों में मैंने वो शर्ट्स टाइप बना के रखे हुए, मैं अंदर से पहन के उनको अंदर से सेफ्टी पिन से बंद करती हूँ और उसके ऊपर शर्ट पहन लेती हूँ, तो लगता है कि शर्ट के अंदर की स्लीव्स लेस की अटैच्ड है। तो इंस्टेड ऑफ वेयरिंग जर्सी या प्लेन, आप अगर लेस वाली पहने तो इट एज अ लिटिल बिट ऑफ ग्लैमर आल्सो। इवन के वो जर्सी मटेरियल भी आता है लेस में यहाँ पर, तो आप वो टैंक टॉप स्लीव्स के साथ वाला बनवा सकते हैं। छोटे कुछ हमारी लोकल ब्रांड्स हैं जिनपे स्लीवलेस कपड़े बहुत, कभी दिल आ जाता है आपका कि लेने ही लेने के लेने हैं, लेकिन आप उसमें स्लीव्स नहीं होती हैं, फिर बहुत सारे लोग रह जाते हैं कि यार हम तो स्लीवलेस पहनते नहीं। मुझे याद है मैं तबस्सुम के पहनती थी और वो हमेशा मुझे ना शिफॉन की स्लीव्स लगा कर देती थी, मैंने कहा इसको बस स्लीव्स लगवा दो, वो पतली स्लीव्स फिटेड वाली हमेशा। अच्छा, अगेन आई कैन कैरी दिस विद माय दिस द लंडा कोट। ये फुल ब्लैक पे भी जा सकते हैं, इसके ऊपर वैसे मैं स्किन भी ले लेती हूँ, फंकी कलर के भी मेरे पास, तो जैसे तुम्हारी ये है ना ये शिमरी, मेरे पास इस तरह की, इस तरह का ब्लैक कोट है, ये मेरे पैंट से ये देखे आपका दिल आ जाएगा इसके ऊपर, ये इसके पास, इसके मेरे पास ना इसका इस तरह का ब्लैक कोट है, वो मैं इसके ऊपर, मैं आपको इसकी जगह भी बताती हूँ और इसकी फिटिंग, मुझे लगता है कि जितने भी मैंने महंगे से महंगे ब्रांड्स दिए हैं, ये आज तक मेरे पास इस पैंट जैसी फिटिंग किसी चीज के ऊपर नहीं है। ये मैं शर्ट के साथ कैरी करती हूँ, ऐसे रेडीमेड ली, नहीं नहीं मैं ब्रांड भी अभी बताती हूँ, वहाँ से आप लोग आराम से ले सकते हैं यहीं से। यार ये देखो कितना खूबसूरत, इसको टी शर्ट के साथ पहने आप, ग्रे कलर की टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट, व्हाइट टी शर्ट, ठीक है, और इतनी अच्छी फिटिंग, मतलब मुझे किसी मैं बताऊं ट्राउजर के साथ ना, ऐसे ये वन से लिया था मैंने, और ये कोई ये जो वन शॉप है ये कौन सी है, वहाँ पे वेस्टर्न कपड़े बड़े अच्छे मिलते हैं, और ये इतना कोई महंगा नहीं, मैं खासी मैंने 2,000 रुपए या 2,500 रुपए का लिया, महंगा होगा क्या होगा, नहीं अभी महंगा नहीं है भाई, वन महंगा है, ऑनलाइन भी मिलते हैं, चाइना से आते हैं, फिटिंग का नहीं पता। और वन की जो शॉप है वो महंगी नहीं है, वहाँ पे कोई भी ऐसे स्टफ शिमरी तो उतने अच्छे अच्छे मिलते हैं। इसके अंदर लाइनिंग क्या लगी है, इसके अंदर इतना कम्फर्टेबल, ये चुभता ही नहीं, बता रही है ये आपको चुभ ही नहीं सकता, इतना अच्छा आ रहा है उसका। नहीं मैं इसलिए नहीं देख रही हूँ कि ये चुभता ही नहीं, मैं इसलिए देख रही हूँ कि मैं खुद बनवाऊंगी। आपको मटेरियल बहुत आसानी से मिल जाएगा, आप जाइए आशियाना मार्केट, मैंने अपनी फिल्म के लिए ट्राउजर सिलवाए थे, ये मटेरियल खरीदा था 1,300 रुपए गज था, वो थोड़ा सा महंगा होता है अब तो, और हो गया और इसकी फिटिंग देखो कितनी अच्छी प्लेट, लेकिन अगर ये 2,500 का है तो सस्ता है, रेडीमेड मिल रहा तो फिर इससे सस्ता नहीं मिलेगा, नहीं खुद बनाने में भी नहीं पड़ेगा, कपड़े मटेरियल सब अंदर कितनी अच्छी और चुभ नहीं रहा, फिर आपकी ये जगह की फिटिंग। अच्छा आप ये मजे की बात ये है कि यही चीज आप शादी में पहन के भी जा सकते हैं, पार्टी के अलावा बिल्कुल, आप जो लोग वेस्टर्न नहीं पहनते वो इसके साथ छोटी कमीज बनवा सकते हैं। आई कैरी दिस, मैं इसको शर्ट टक इन करके पहनती हूँ ऐसे, बड़ा स्टाइलिश लगता है आगे बो बांध के, इसके ऊपर आप कोट पहन सकते हैं, मैंने बल्कि एक वीडियो में पहना है, बल्कि दिखाइए यहाँ पे अगर आप दिखा सकते हैं, तो मैं स्टैंड आउट कर रही थी, इतनी आवाम थी, मगर सिर्फ मेरा ये ब्लैक कोट और कोट के ऊपर मैंने चौड़ा बेल्ट, मैं तो पता है मुझे अभी खड़े खड़े आइडिया आया है, देसी स्टाइल, मैं काली प्लेन साड़ी पहनूंगी बगैर पेटीकोट के, हाय हाय और नीचे ये क्या बहुत है, आजकल है ना साड़ी पैंट चल रही होती है, लेकिन ये बूट कट नहीं अच्छा लगेगा शायद, हाँ बूट कट नहीं होगा, स्ट्रेट हो, हाँ बूट कट के साथ भी ट्राउजर साड़ी देखिए अच्छी लगती है, लेकिन लोगों पे बहुत अच्छी, लेकिन बस मसला ये है कि ट्राउजर साड़ी को आपको डिफरेंट तरीके से ड्रेप करना होता है, आप उसको पूरा नहीं बांध सकते, वरना उसमें तो ट्राउजर छुप जाएगा, उसका जो वो है ना वो ऐसे जो फॉल जो है ना आपने इधर से लगा के और फिर उसको पीछे से लेकर आके बस पूरा पल्लू पे लेके जाए, बहुत शौक है अगेन इसको बहुत अगर हैवी करना। अच्छा वो वीडियो अगर चल सकती है तो मैं दिखाऊं निदा को कि वो कैसी है, वीडियो चल रही है वो, नहीं वो अपलोड नहीं हो पाई, ओके आप अगर इसको बहुत आगे रखो ना जी, फुल शादी वाले कपड़े हो गए, ये किसकी ये जैकेट कहाँ से बनवाई है, ये जैकेट करिश्माश से बनवाई थी मैंने, एक अच्छा इवेंट था
तो उसके लिए एक ही बार खर्चा किया था, तो जैकेट इसलिए किसी भी चीज के साथ आप कैरी कर मजे का लग रहा है, ठीक है, यू कैन कैरी विद दिस, बट इसका जो असल लुक था वो लुक था मेरे साथ ट्राउजर का, और ट्राउजर मुझे टाइट हो गई है और वो फट भी गई है, आई एम सॉरी, नीचे से जो इसका एक ट्राउजर। ये जैकेट भी तुम बहुत अलग अलग चीजों के साथ पहन सकती हो, ये देखे ना, ये प्लाजो है, हाँ। इसके नीचे ये मेरे किसी और शर्ट के साथ का है, अच्छा ठीक है, और ये तफाक से अच्छा लग रहा है, अभी तक मैंने ये ट्राउजर यूज नहीं किया हुआ, मतलब एक होता है ना पहन लेते हैं, ये तो बहुत नहीं किया हुआ, क्योंकि इसका जो चोली, इसकी जो चोली है ना वो छोटी, इतनी चोली है, और इसकी चोली के ऊपर जो है ना इस्त्री नहीं लग जाती, इसकी वजह से मैं ना ट्राउजर पहन सकी, ये कपड़ा ऐसा है, इसके ऊपर आप इस कपड़े को कहते हैं लामा, लामा देखा, लामा तो इसके ऊपर इस्त्री ना ऐसे लगती है, और लामा दिस इज टिश्यू, और लगी थी मेरे अपने हाथ से, अगर इसमें जो दो तीन शेड आए तो उसको लामा कहते हैं, तो ये टिश्यू और ये ऊपर जैकेट, ठीक है, टिश्यू की भी अपनी एक लाइट एंड डायलेटेड है, आई लव इट, है ना, इट्स इन ग्रेस होती है, विंटेज लगता है मुझे टिश्यू ऐसा, लाइट अच्छा लगता है, ठीक है, अच्छा इसी चीज को, एक तो वैसे ही इसकी मैंने चोली जला दी, अच्छा इसी चीज को आई कैन कैरी विद द पैंट, ये मेरा मैंगो का पैंट है, इस जींस के साथ आई कैरी, अंदर कैमिसोल पहन लिया और ऊपर, अच्छा मैं इसको पूरा बंद करती हूँ वैसे, अच्छा बिल्कुल जैसे सिलीक सा बंद करके, ओके, तो बड़े बड़े इयररिंग्स कोई, अच्छा फिर ये बताओ जैसे ये इतना हैवी वर्क की जैकेट है, इफ यू वेयर इट विद डेनिम्स तो फिर ये किस तरह का ओकेजन के लिए यू वुड वेयर, मतलब जैसे मैं किसी कमेटी पार्टी पे जा रही हूँ या कोई ऐसे किसी से मिलने के लिए जा रही हूँ, मेरी कोई फ्रेंड्स है या रात को कोई अच्छा सा डिनर है फलाल के साथ कैंडल लाइट, तो फिर अच्छे से ऐसे तैयार हो जाती हूँ, मतलब इस जैकेट के साथ ट्रेनर्स पहन सकते हैं, I think it would be too casual. मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा casual हो जाएगा, बहुत ज़्यादा trendsetter, मुझे लगता है contradict करेगा, मुझे लगता है contradict करेंगे trainers, even I agree. Such a formal jacket. घाघरे के नीचे भी sneakers पहने हुए थे, that's different. That's different, but not with this. अब joggers तो कढ़ाइयों वाले देखो, क्योंकि हम वो कढ़ाइयों वाले joggers थे. As a stylist, मैं एक चीज़ बताऊँ, जितनी भी चीज़ें हम maneuver कर रहे हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मिला के, blending के फैशन एथिक्स हैं, नहीं बट आप उन एथिक्स से बाहर निकल के लहंगे के साथ स्नीकर्स हम कभी सोच भी नहीं सकते, और अगर अभी वो कभी वायरल नहीं होती तस्वीरें ऐसी जो चली थी ट्रेंड, तो हम बोलते कभी भी नहीं जाएगा। एक बात बताऊं किरण, खुद से मैं आपको एक बात बताती हूँ, वो जो चीज है ना कैरी करने वाली बात है, हो सकता है उसे किरण कैरी कर सके, मृदा नहीं कर सके, हो सकता है उसे शर्मीन कैरी करने की भी बात है, और लोगों का अपना कॉन्फिडेंस लेवल है, मुझे लगता है फैशन उसी से बनता है, बिल्कुल, जो वो है डिजाइनर, क्या नाम है अपना, अली जीशान, वो जो पहनता है वो कोई आम नहीं पहन सकता, लेकिन वो उस चीज को कैरी करता है confidently स्टेज और दुनिया के सामने आता है, that's his style, हाँ actually हम उससे अगर कोई सीधे साधे कपड़े पहनकर आ जाएगा ना, हम उससे ये एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं, हम इंतजार में होते हैं कि अब वो किसे हटाएगा, तो उसका एक वो सिग्नेचर बन चुका है, ट्रेंड सेटर है, आली जीशान है, नहीं क्योंकि जो वो पहनते हैं वो कोई और नहीं पहन सकता, तो ही इज एक्चुअली नॉट अ ट्रेंड सेटर, बट ही इज गॉट हिज ओन स्टाइल, हां उनकी एक अपनी ट्रेडमार्क लुक है जो कि सिर्फ वो ही कैरी ऑफ कर सकते हैं, अगर वो वाले कपड़े मेरे घर में मेरा भाई या मेरा दोस्त पहनकर आ जाए तो मैं कहूँ तुम क्या पहने दो, प्लीज चेंज, इट्स नॉट लुकिंग नाइस, ही इज एबल टू पुल इट ऑफ, वही वाली बात, हर कोई हर चीज नहीं कर सकता, अच्छा ये वही वाली शर्ट है, उसके साथ आई कैरी दिस स्कर्ट चल रही है, इसके साथ प्लेन भी मैं पहन लेती हूं, ये तो मजे का है, फुल कट, आजकल फिजा के दिमाग पे ब्लैक छाया हुआ लग रहा है, पर एक शर्ट पे मैंने बहुत सारी चीजें लोग कह रहे हैं इतनी अच्छी लग रही है, हां ये इसको चौड़े बैठ, अच्छा ये मेरा वही फिर कोट आ गया, यही लंडे का कोट है, तुमने इस कोट की वाट लगाई है, इतनी दफा पहना है, इतनी अच्छी फिटिंग आती है, इतना तो खरीदने वाले ने नहीं पहना, ओ माय गॉड, बात है किसी जिसके पता चल जाए, अब देखें इसी स्कर्ट को मैंने वो जो आप हाई ने कह रही थी, हाँ उसके साथ हाई फैशन फिरोजी आईज करके मैंने उसको गले पे क्या मॉडल बैंड की टाइप की चीज है, ये नेकलेस ही था जैसे नहीं था बेल्ट नहीं बांधी थी, हां मैंने कहा ये बिल्कुल ऐसा मॉडल मेनू नहीं, इस तरह की चीजें पहनती होती थी, ब्लो ड्राई करके बालों को बम फाड़ के थोड़ा, हां उसी तरह वाला, और अलग से टर्कवाइज आई शेड लगा लिए इसके ऊपर, कितना हाई फैशन लगता है, देखो जैसे मैं अभी कपड़ों की बात कर रही हूं ना कि जॉगर कैरी करना, और ये कुछ लोग कपड़े बहुत अच्छे कैरी करते हैं, कुछ लोग मेकअप बहुत अच्छा करते हैं, मुझे लगता है फिजा का शुमार उन लोगों में होता है, इसको किसी भी तरह का मेकअप कर दोगे
को कैरी करना है। शायद आपको इसका मॉडलिंग का जमाना नहीं याद है, शी इज वन ऑफ द मॉडल्स जिनको आप भूल नहीं सकते, बिकॉज ये हर मेकअप में एक डिफरेंट तरीके से मेकअप एंड हेयर एज वेल। मैंने इसके साथ ऐसे वर्सटाइल हेयर स्टाइल्स बनाए जो आम मॉडल्स, मतलब मैं क्या करती थी अगर मेरे पास चार मॉडल्स हैं और हम कोई शूट करें तो सबसे वखरा हेयर स्टाइल मैं इसके लिए चूज करती हूं। एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे पता था कि ये आपको ये पता होता है पर्सनालिटीज होती हैं, मुझे पता होता था किरण मेकअप कैरी नहीं कर सकती तो वो उस पे हाथ ही नहीं डालती इसको। आप नीला कुछ लगा दे, इसकी पोजिंग, इसका कॉन्फिडेंस, मैंने मुझे आई स्टिल रिमेम्बर दैट मोहॉक हेयर स्टाइल आई मेड इट। वो आगे से ऐसे, वो नहीं पुराने जमाने में वो 60s के ऐसे वाले बनते थे, बकायदा मैंने इसके ऊपर बनाया था एंड शी वाज रॉकिंग इट। लंबे सही पकड़ा ना इसको, वैसे ही आप अगर आप अपनी चार बहनें हैं आपकी, आप देखेंगे ना कोई बहन किसी चीज में खासियत रखती है। अरे ये बालों के कलर बड़े अजीबो गरीब इसने कैरी किए हैं बालों के, जैसे मैं मिस्सी का भी बताती हूँ, मिस्सी ने भी इतने उस वक्त उस जमाने में किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी कि कलर कराए, मिस्सी पिंक कलर करा के आ गई एक दफा बालों का। मिस्सी ने जो अपने हेयर पे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, लाइक उस जमाने की बात करूं जब हम नए नए ड्रामों में आए थे उरूसा के जमाने में, ब्लॉन्ड शॉर्ट्स भी मेरा ख्याल से, अब ये फर्स्ट वन टू हैव द एश ब्लॉन्ड इन द पिंक, और पता नहीं क्या क्या पिंक भी करा लेती थी, रंग था पूरा आई रिमेम्बर सारा। तो वो भाई बाल ऐसे से डाई कराती थी कि हम सब देख रहे होते थे, ये कॉन्फिडेंस की बात होती है। क्या इस पे अच्छा भी लगता है, मतलब जो ये हेयर स्टाइल बनाए या मेकअप करे, ये तो मेरी एक्सटेंशन है वैसे, मगर जो अभी मेरे अपने बाल हुए ना, जैसे आम एक औरत है ना उसको चेंज चाहिए होता अपनी जिंदगी में, तो जरूरी नहीं है कि कोई भी औरत जाके अपने बाल ब्लॉन्ड करा के आ जाए उस पे अच्छे लगेंगे। बिल्कुल, मैं कितनी दफा बोलती हूँ अच्छा कॉम्प्लेक्शन ऐसा है तो कॉम्प्लेक्शन वैसा है, नहीं होता कुछ कॉम्प्लेक्शन से, आपके दिमाग का खेल है और आपको कैरी करना आना चाहिए। अगर आप कैरी कर सकते हैं तो आप सामने भी होंगे, आप पे ब्लॉन्ड भी अच्छा लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस सब कुछ छुपा देता है। अरे लोग मोहागनी डार्क ब्राउन, मैं तो हेयर कलरिस्ट हूँ, एवरी डे आम खवातीन से मेरी हो रही होती है, आप सोचें डार्क मोहागनी पे शिफ्ट होते हुए भी औरतें सोच रही होती हैं इसमें लाल है, अरे इसमें तो लाल ना होने के बराबर है, नजर ही कम आएगा, यू नो जस्ट अ टिंज ऑफ इट, दे डोंट एक्सेप्ट इट बिकॉज़ उनको लगता है उस शर्ट बाल में लाल आ जाएगा। अच्छा और एक और इम्पोर्टेंट टिप, जब आप 20s में होते हैं ना तो आप बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने में डरते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जब 30s लेट 30s या 40 में पहुंचते हैं फिर पता नहीं कहाँ से लम्बी आप तो इतना कॉन्फिडेंस देता है कि आप वो फैशन कर लेते हैं और फिर आपके पीछे आता है अच्छा बुड्ढी गोड़ी लाल लगा। हाँ। पहले आप यंग होते हैं तो आप डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, फिर आपके पास डर खत्म हो जाता है। It all depends on the personality. A lot of people are more experimental in their younger age. Because younger age में a lot of personalities ये होता है कि वो और ज्यादा ओपन अप होके एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, आप देखते हैं टीनेजर्स ब्लू पिंक कर लेते हैं, लेकिन जब जैसे ही वही टीनेजर्स बड़े होते हैं वो सोबर कलर्स की तरफ चले जाते हैं। पुराने वाले टीनेजर्स से बेटा हमारे जमाने वाले आजकल के टीनेजर, मेरी बेटी को तो ग्रे बेज ब्लैक ब्राउन व्हाइट ये कलर्स पसंद है। जवेरिया की बेटी का भी यही हाल है, सो जो मैं अभी टीनेजर बेटियां देख रही हूँ वो उल्टी है, जमाना बदल गया है। हाँ, एक छोटे सा ब्रेक बहुत और फिर जमाना बदलेगा, फिर हम किरण के पास आएंगे और किरण बताएंगी हमें यहाँ वेस्टर्न से ईस्टर्न और फ्यूजन सारी चीजें इधर होंगी। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको ये बता रहे हैं कि आपके वार्डरोब में जो भी पीसेज हैं आप उनको बहुत दफ़ा यूटिलाइज कर सकते हैं, तो ये जो नए कपड़े बनाने की जो धुन आपके सर पे सवार हुई है इंस्टा की जो आप पिक्चर्स लगाते हैं उसकी वजह से कि रिपीट नहीं करना ये नहीं करना उसको ख़त्म कर दे, अब वो दौर नहीं है कि हर ईद पर हर शादी पर हर सालगिरह पर हर किटी पर हर स्कूल बच्चे को छोड़ने जाने पर नया जोड़ा होगा, जमाना बदल गया। तो हम आपको आज यही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी किरण आपकी बात। अच्छा एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कुर्ता है मेरा जो फेवरेट कलर दिखाना चाहूंगी, शायद मर्द अपने शॉप से इतनी शॉपिंग नहीं करते जितनी ये औरत करती है।
वो बस एक फेस चलता है ना, तो मैं जब मैंने वेस्टकोट ली थी ना तारिक रोड से, तो ये मर्दों की दुकान थी जहाँ पर वो लोग वो मेहंदी पे अक्सर लड़के जो हैं फैमिली के एक जैसे रंग के या मेहंदी पे येलो ऑरेंज ग्रीन, इसमें इतने हसीन कलर्स थे और सारे इसी तरह के ब्राइट ब्राइट कलर थे ना, रॉस सिल्क है, लोकल वाली रॉस सिल्क है, और ये 1200 या 1500 का कुर्ता था यार। तो मैंने कहा हाँ ये मुझे दे दें, तो गिनी भी मेरे साथ थी, मैंने कहा अभी की बात है ये, मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं, इसी साल की बात है, तो मैंने अभी तक इसको पहना नहीं है, लेकिन मैं मेरे पास आइडियाज़ हैं कि मैं इसको किस तरह इसको कैसे कैसे यूटिलाइज़ किया। देखो एक तो मेरे पास ये शलवार कह रही हूँ, शलवार भी अच्छी लगेगी इसके साथ, ये मैं पहन लूँगी, और सिर्फ ये नहीं मैं ये बेल्ट लूंगी गोल्ड वाली, और थोड़ा सा ना इसको ऊंचा करके ये थोड़ा सा शेप भी दे दोगी, वेट शेप दूंगी, तो वो स्ट्रेट बेल्ट से विद अच्छी सी इयररिंग्स, जनाना भी तो बनाना है, जनाना भी तो बनाना है, नहीं तो लेकिन पता नहीं चलता भाई, मर्द लोग जनाना पहन रहे हैं ये बोलो ना, ये तो है हमारा, ये तो कलर भी हमारा है, काम भी हमारा है, ऐसे कहाँ पहनते थे मर्द ऐसे कलर किसी जमाने में। अच्छा दूसरा ये मेरे पास ना इस तरह की जामावार की पैंट्स हैं, ये भी अच्छा, तो मेरे पास ग्रीन है, मेरे पास ऑरेंज है, ये तो सभी चल जाएंगे, तो मेहंदियों में कितना अच्छा जाएंगे, सिर्फ दुपट्टे को आप लगाओ, पर्पल कलर का दुपट्टा ले लो या कोई और ऐसा ले लो, मैंने तो सिर्फ ये पैंट्स के साथ स्टाइलिश सी स्टिलेटोस के साथ इसको ऐसे पहन लूंगी विद इयररिंग्स और बाल बंधे हुए जूड़े के साथ, ठीक है। फिर मैं दूसरी लुक इसकी क्या दूंगी, अगर दुपट्टा भी मुझे पहनना है तो मैं जोड़ा बना के लाई है, I love this, तो मैं ना इसको ऐसे करके और नीचे जामावार की जरूरत पड़ रही है शर्ट को देख देख के, ओह माय गॉड, सुनो तुम्हारे कपड़े तो सारे लेके जाने वाले लाहौर, देखो कलर्स भी आ गए और क्योंकि शर्ट इतनी ब्राइट है कि उसको बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर रहा है, दुपट्टा थोड़ी एक सटल और एक सॉफ्ट लुक आ गया। देखिए आप यहाँ से सीख सकते हैं कि कोई एक चीज है जो ब्राइट है, तीनों चीजें नहीं ब्राइट, तो उसको सटल करने के लिए दूसरी चीजें और है, क्योंकि आंखों को ना एकदम इतनी सारी चीज बहुत एकदम चिखती भी बुरी लगती है, अगर मैंने पूरा जोड़ा रेड पहना हो तो मैं कभी मर के भी रेड लिपस्टिक ना लगाती। अच्छा इसके साथ होता है ना ये बेज कलर का या व्हाइट ही इसी तरह का कोई शरारा भी है क्रश्ड, वो भी आप पहन सकते हैं, माथा पट्टी लगा लें, बिल्कुल ईस्टर्न आप तैयार हो सकते हैं, प्लस इसके साथ में ये जो जीन्स रखी हुई है ना, जीन्स देना अपनी मैच करो अगर आपको बिल्कुल मॉडर्न करना है, बिल्कुल फ्यूजन, ढोलकी में चले जाओ भाई, ढोलकी में डांस साथ में स्नीकर्स कैरी कर सकते हैं, इसके साथ वेरी स्टाइलिश, बिल्कुल डिफरेंट, माय फेवरेट लाइन, बिल्कुल डिफरेंट, कुर्ते के साथ जींस मुझे बहुत पसंद है, एक कुर्ता जो है 1500 रुपए का कुर्ता कि कितने 5-6 आउटफिट्स बना लिए हां आराम से, और इसके साथ आप इस तरह भी ये पहन सकते हैं और मैं इसके साथ ये शरारा भी डाल सकती हूँ नीचे, तो वो और फॉर्मल लुक हो जाएगा, व्हाइट वाला भी आप कर सकते हैं, मतलब जरा सकून से बैठेगी, 15 लुक्स तो इसकी निकाली, हाँ मैं निकाल लूंगी यहीं पर, जो कपड़े मौजूद है ना, नहीं है ये दिखाना ग्रीन जो आपका है जो अभी आप बताएंगी इसके साथ भी शायद ये चला जाएगा, आपको थोड़ी देर देनी है, बल्कि 15 लुक्स इसकी निकाल निकाल के भाई तुम बताइए, देखो वीडियो बनाओ एक ही ड्रेस 15 दफा, सीरियसली मैंने ये इसके साथ तो किया था वेस्ट, ये भी अच्छा लगा, मतलब कॉन्ट्रास्ट डाल दिया, मेहंदी का जोड़ा नॉर्मल जीन्स स्नीकर से लेके इसी को तो कहते हैं भाई ये जहानत, शादी तुम्हारा क्या बचा, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। अच्छा मेरा एक, अच्छा जब मैं पिक्चर कहूँ तो वो वाली लगाएगा, मेरा एक लहंगा चोली था, नहीं एक्चुअली आई स्टार्ट विद द साड़ी, मैंने साड़ी बनाई थी, ये मेरी प्लेन बेज साड़ी है शिफॉन जॉर्जेट की, उसके साथ मैंने एम्ब्रॉयडरी वाला टॉप बनाया था जो कि मैं जब फर्स्ट टाइम इस्त्री कर रही थी तो जल गया जब मैंने इवेंट पे जाना था, इवेंट से 1.5 घंटे पहले, और मेरे पास और कुछ मैंने कुछ सोचा भी नहीं था बैकअप पे, तो मैंने ये सोचा कि मेरे पास ये ग्रीन वाले टॉप के साथ दिखाएगा लहंगा चोली का, मेरे ये चोली बनी हुई थी तो वो पिक्चर लगी हुई है, आई डिडंट हैव एनीथिंग एल्स टू वेयर, तो मैंने अपनी लहंगा चोली का ये ब्लाउज निकाला उसकी बेल्ट के साथ, मैंने ये ब्लाउज पहना, ऊपर मैंने बेल्ट लगाई
और मैं इस तरह से अपने इयररिंग्स के साथ पहन के और मेरा बहुत हैवी दोबारा बेल्ट पहले से पिक्चर दोबारा लगाए वो लहंगा चोली के साथ मैंने बेल्ट बनाई हुई थी तो पिक्चर लगाए मैंने ये पूरी लुक अपने इयररिंग्स के साथ पहन के मैं चली गई और बहुत अच्छा लगा बहुत कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा बिल्कुल जो तुम्हारा इसका काम वाला ब्लाउज था जो जल गया वो इसी कलर में था वो इस कलर में था लेकिन उस पर कलरफुल एम्ब्रॉयडरी बेस यही थी सेम कलर थी तो सही नहीं लेकिन कलरफुल एम्ब्रॉयडरी वो पूरा पैच उड़ गया मुझे पूरी बैग दोबारा बनवानी पड़ती और फिर मैंने इसी साड़ी को इतनी चीजों के साथ यूटिलाइज कर लिया कि मुझे जरूरत नहीं पड़ी कि मैं दोबारा उसमें इन्वेस्ट करूँ फिर मैंने अच्छा ब्लैक टॉप वाली लगा दें फिर मैंने कहीं कैजुअली पहनना था उसको थोड़ा सा टोन डाउन करना था तो मैंने इस तरह से ब्लैक टॉप के साथ ये बेल्ट अपनी चौड़ी जैसे बेल्ट होती है ये मैंने बेल्ट ऊपर पहनी मैंने उस पर चोकर पहना एज यू कैन सी नो इयररिंग्स बट चोकर के साथ मैंने इसको एक्सेसराइज किया है ब्लैक टॉप ब्लैक बेल्ट इसका ये स्लीक हेयर भी अच्छे लग रहे हैं तो मेरी एक बिल्कुल डिफरेंट लुक हो गई फिर मैं जब बाहर ट्रैवल कर रही थी तो मैंने एक टॉप लिया था ये ट्राउजर वाली पिक्चर अगर आपके पास आई तो लगाइएगा ये मैंने ये तीसरी लुक मैंने अच्छा लग रहा है अल्लाह हालांकि मैंने ये टॉप आपके पास वो पिक्चर आई है जो मैंने ट्राउजर के साथ नहीं अच्छा वो आपके पास आई नहीं होगी मैंने हाई वेस्टेड ट्राउजर के साथ ये टॉप लिया था बाहर से जो कि मैं डेनिम्स के साथ और हाई वेस्टेड ट्राउजर आई रियली लाइक्ड इट ये वाला ये देखें मैंने बेसिकली ऐसे पहना था ये टॉप बट देन अगेन आई हैड टू वेयर समथिंग फॉर्मल तो मैंने इसको इसके साथ एक्सेसराइज वो पेयर अप कर लिया ये साड़ी पहन ली तो वो लुक आपने देखी तो दिखाएं दोबारा साड़ी वाली लुक दोबारा दिखाएं इसकी जो इसके साथ वो रेड कार्पेट लुक है ना ओहो क्या हो गया इतना टाइम क्यों लग रहा है बहन इसी साड़ी के साथ ये जो नहीं नहीं बेज ब्लाउज के साथ दूसरी बेज ब्लाउज के साथ बोल रहे हैं इस वाले ब्लाउज के साथ जो लुक है ये इसके साथ मैंने बाल थोड़े डिफरेंट बना लिए इसमें कर्ल्स डालिए तो ये एक एंटायरली डिफरेंट लुक हो गई तो एक बेसिक बेज साड़ी जिसपे कोई काम नहीं हुआ हुआ कोई एम्बेलिशमेंट्स नहीं लगे क्या मटेरियल है ये इट्स शिफॉन जॉर्जेट अगेन आई फील नो शेम इन सेइंग दिस ये सब लोकल फैब्रिक है इट्स नॉट इवन एन इम्पोर्टेड मटेरियल ये साड़ी नहीं चल रहा मैंने स्टिच कराई है क्योंकि मुझे बांधने में बड़ा मुश्किल जिस तरह मैंने कैरी किया ना कुछ नहीं पता चल रहा कि कौन सी लोकल जॉर्जेट है एग्जैक्टली नहीं पता चलता है कितने की मिल जाती है ये वाली जॉर्जेट बताएं ना ये बहुत पुराना 500 रुपए पास पड़ा था अब जो है ना 400-500 रुपए गज तक जब मैंने लिया था तो 200 रुपए गज था मैंने 1400 की पूरी साड़ी का मेरे पास फैब्रिक आया था जिसकी आप सोचे मैंने तीन अपने ये दो तो मेरे वेस्टर्न टॉप्स हैं जिनको मैंने साड़ी के साथ कपड़े की भी शॉपिंग जो है ना फिजा बाजार अलग अलग होते हैं आपको क्लिफ्टन वाले बाजार में महंगा मिलेगा अच्छा किसी और बाजार में आपको वही चीज सस्ती मिलेगी अब वो भी रिसर्च आप यही वाला जो टॉप है मैं इसको डिफरेंट लहंगों के साथ मैं इसके साथ भी पहन के एक ये डिफरेंट लुक पूरी कर सकती हूँ वेरी गुड इसके दुपट्टे के साथ तो देयर सो मच दैट यू कैन डू आप इतना मिक्स एंड मैच कर सकते हैं कि एंडलेस आउटफिट्स आपके बन जाते हैं आपको जरूरी नहीं है कोई वाली बात कि किसी इवेंट में जाना हो तो यू नीड टू मेक समथिंग न्यू फॉर योरसेल्फ आपकी अलमारी में से 10,000 चीजें मसला ये है कि हमारी अलमारी इतनी खुली खुली नहीं है ना भरी हुई है उसमें हमें दिखते भी नहीं है कि क्या चीज है क्या चीज नहीं मैंने यही किया है क्योंकि मेरे साथ यही प्रॉब्लम होती थी तो मैंने ना पार्टीशन करके हेडिंग्स लगा के चिपका ली सीरियसली मैंने ये चीज भी शायद तुमसे सीखी तुमने ज्वेलरी अलग अलग बॉक्सेस में मैंने आप जो छोटी शर्ट्स हैं उसका एक अलग से दराजे ले ली और उसके ऊपर लिख दिया छोटी शर्ट्स फिर मैंने जो सिल्क की शर्ट्स हैं सीरियसली सिल्क मटेरियल की शर्ट है मुझे पता है कि मेरे पास वो है तो मैं सिल्क मटेरियल की मैंने एक अलग बॉक्स जो होता है ना बड़े प्लास्टिक वाले जो व्हीलर्स के साथ होते हैं जो उठाने भी नहीं पड़े मैंने उसमें डाल दिए कॉटन की शर्ट्स अलग है व्हाइट शर्ट्स अलग है सो उस तरह मेरे पास वो बॉक्सेस में चीजें आ गई है मेरे पास अब जब मुझे जो चाहिए होता है दिमाग में है लेकिन याद नहीं आ रहा था मैं कहती हूँ व्हाइट कॉटन ले आओ अच्छा बहुत सारा लोग ना अपने वार्डरोब को ना जैसे बने हुए होते हैं लोगों के घर में वॉशरूम के अंदर तो जो हैवी काम वाले और ऐसे काम वाले कपड़े होते हैं उनको वॉशरूम में नहीं रखना चाहिए क्योंकि जैसे वहाँ लाहौर में तो सर्दी होती है तो वो बहुत गर्म पानी से भी लोग नहाते हैं स्टीम होती है काला स्टीम की वजह से वो काम एक तो काला और फिर कपड़े में स्मेल आ जाती है अच्छा मैं क्योंकि हम लोग कराची में रहते हैं और कराची में बहुत ह्यूमिडिटी है तो मैं काम वाले कपड़े जो है प्लास्टिक के कवर्स में रखती हूँ देखो मुझे पता है तुम लोग बहुत जहीन लोग हो बहुत और टिप्स है तुम लोगों के पास तो मेरे पास अच्छा हमारे पास इतना कुछ है आपके पास वक्त नहीं है मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि माशाल्लाह
यहाँ टिप्स बहुत हैं और जहानत बहुत है, लेकिन थैंक यू सो मच. आज हमने ज़िंदगी का एक अलग रुख आप लोगों से सीखा, उसका बहुत बहुत शुक्रिया. और जो सारे मर्द हजरात हैं वो हमें सलाम करके शुक्रिया करें, उनकी जेब आज उनकी फेवर का शो हुआ है खत्म होने से, और किरण की वजह से उनके कपड़े भी अब हम खरीदा करेंगे. थैंक यू सो मच एंड खुदा हाफिज. इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल किसी और इंटेलिजेंट शोज के साथ. आपको तो पता है मैं तो करती हूँ इंटेलिजेंट शोज. सुबह जो आई है.